Iftada our, Hamari uh, executive team, I welcome you all for this 21st masterclass. Iftara has been uh, growing, it's marching ahead with great events like this. Uh, we, have, we have had a lot of great directors before this masterclass, and you all have witnessed those great movements uh, in this same very <laughs> uh, auditorium. आज uh, का मास्टर क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत टैलेंटेड uh, डायरेक्टर्स uh, हमारे बीच में हैं आज uh, मैं इस मास्टर क्लास की शुरुआत करता हूं जैसे हर मास्टर क्लास में हमारे कुछ मेहमान होते हैं जिनको हम फेलिस्टेट uh, करते हैं हमारे परिवार के ही हैं हमारी इंडस्ट्री के ही हैं और वेरियस डिपार्टमेंट्स uh, को हेड करते हैं तो मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगा हमारे आज के मॉडरेटर आई हिम डॉन ऑफ कास्टिंग डॉन डॉन होता है ना एक वर्ड डॉन ऑफ कास्टिंग हर आ, हर इंडस्ट्री में एक माफिया होता है एक डॉन होता है जो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करके रखता है कास्टिंग में इस बंदे ने उसको कंट्रोल करके रखा है वो किसी को अंदर बाहर जाने देता नहीं है और इतना माहिर ये शख्स है कि जब कोई फिल्म देखता है आदमी और उस फिल्म के एक्टर्स को देखता है कैरेक्टर्स को देखता है तो ऑडियंस आजकल बोलना ऑडियंस ने आजकल बोलना शुरू कर दिया है कि है मुकेश छावड़ा की कास्टिंग है आई इन्वाइट मुकेश छावड़ा द मॉडरेटर ऑफ दिसकेश ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्टिंग कास्टिंग का जो uh, जो पूरा एक कॉन्सेप्ट uh, था वो हमारे यहाँ पहले नहीं होता था, था वो पहले असिस्टेंट डायरेक्टर्स कास्ट करते थे हम सब यही काम किया करते थे लेकिन एक इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्टिंग जो शुरू हुई है हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकेश ने शुरू किया उसके बाद और भी बहुत सारे टैलेंटेड कास्टिंग डायरेक्टर्स हमारे इंडस्ट्री में हैं इफ्टा की तरफ से वी आर रियली थैंकफुल टू तो मुकेश फॉर इनिशिएटिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिंग इन द इन द फिल्म इंडस्ट्री टुडेज मास्टर डायरेक्टर नाम लेने के बाद हम उनके बारे में बात uh, करना फजूल है दिस यंग लेडी हैज डायरेक्टेड थ्री ब्रिलियंट फिल्म नील बटे सन्नाटा बरेली की बर्फी एंड अ लेटेस्ट फिल्म ऑस पंगा आई इनवाइट अश्विनी अय्यर तिवारी ऑन द स्टेज वेल रिस्पेक्टेड प्रोड्यूसर आई रिक्वेस्टेड हिम कि आप प्लीज आइए और हमारे बीच हमारे जो टैलेंट हैं या हमारे जो कलीग्स हैं उनको आप फेलिस्टेट करें आई रिक्वेस्ट आनंद पंडित टू प्लीज कम ऑन द स्टेट प्लीज आनंद पंडित इरफेडा ने एक पोस्टर डिज़ाइन किया है जो हर आ, मास्टर क्लास में हम गिफ्ट करते हैं मॉडरेटर और डायरेक्टर के लिए जो हमारा मास्टर डायरेक्टर है और ये डिज़ाइन जो हमारा है पोस्टर का वो एक डायरेक्टर ही डिज़ाइन करता है इज़ अ वेरी वेल नोन डायरेक्टर सौरभ वर्मा ही डिज़ाइन ऑल द पोस्टर्स ऑल आर बैकड्रॉप्स ऑल आर बैनर्स एंड ऑल दैट सो इट्स ऑल इन हाउस इफेडा की तरफ से मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि ही ऑलवेज स्टैंड बाय बाय बायरफेडा I request uh, Anand to hand over the poster to Mukesh uh, Chhabra. Uh, on behalf of IFTDA and all of you, Mukesh, a beautiful trophy which we have designed uh, for Mukesh Chhabra, Anand Pandit will hand over the trophy. <laughs> खाना नहीं खाया आप लोगों ने इतना डेट क्यों है यार थैंक यू। आई रिक्वेस्ट आनंद टू प्रेजेंट द पोस्टर टू अश्विनी मास्टर डायरेक्टर टुडे Uh, मैंने आपसे पहले कहा कि इफटेडा फील्स वेरी एक्साइटेड फील्स वेरी गुड वैन समबडी मेक्स अ ब्रिलियंट फिल्म एंड नॉट वन हेट्रिक वन आफ्टर अनदर। अनादर हैव रिक्वेस्टेड दिस फिल्म मेकर हु वन आफ्टर अनदर मेड ब्रिलियंट फिल्म एंड कॉट होल्ड ऑफ द ऑडियंस ग्रिपिंग फॉर टू आवर्स इन थिएटर इफ इज रेरी प्राउड ऑफ इज मेम्बर दिस फिल्म मेकर हु मेड In his last hat trick films, Mulk, Article 15, and Thappad was his last film. I invite Anubhav Sinha. कैसा अनुभव टू स्पीक थैंक यू तो सो मच, मच। पंडित जी आपका वेट कम हो गया मुझे भी करना है अच्छी बात है। <laughs> यार मैं 2001 से फिल्में डायरेक्ट कर रहा हूं तो मुझे टेक्नीशियन बुलाते थे कभी डायरेक्टर नहीं बुलाते थे तो पिछले दो-तीन साल से मुझे डायरेक्टर बनाने लगे तो ये <laughs> ये बड़ी खुशी की बात है <clears throat> कुछ सही कर रहाऊंगा और इसलिए जब एसोसिएशन ने बुलाया तो मैंने कहा ये ये मैं जाता नहीं नॉर्मली अवार्ड अवार्ड हूँ दिमाग खराब हो जाता है <laughs> तो पंडित जी का फोन आया तो मैंने कहा मैं छोटी सी बात है यार पूरी दुनिया जो है ना इस समय या तो इस पार है या उस पार है बीच में कुछ नहीं है <laughs> तो कई बार मुझे थोड़ा दुख हुआ इंडस्ट्री क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेरा कोई लेना देना नहीं इंडस्ट्री मैं बाहर से आया बनारस से आया और जो भी किया किया तो कभी पवार साहब के साथ फ़ोटो छप गई एक शरद पवार साहब के साथ तो मुझे दाऊद इब्राहिम का आदमी बोल दिया कभी किसी के साथ फ़ोटो छप गई तो मुझे रमन नक्सल बोल दिया कभी शाहीन बाग डायरेक्टर बोल दिया मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग एक फैमिली हैं हम लोग किसी भी किनारे पे हो सकते हैं हम लोग डायरेक्टर्स हैं एसेंशियली फिल्म मेकर एक दूसरे को पर्सनली इन नामों से हमको नहीं बुलाना चाहिए हम लोग फिल्म मेकर रहने चाहिए मैं राजीव मसंद के साथ एक इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने पंडित जी का नाम लिया पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा तो मैंने कहा मैं और पंडित जी दोस्त हैं मुझे कभी भी तकलीफ हो मैं इनको फोन कर सकता हूँ जबकि हम लोग एकदम दो अलग अलग पोलिटिकल आइडियोलॉजी के एंड पर खड़े हैं तो ये मैं और आप एग्जाम्पल है इस चीज़ के और मैं इस बात को शान से और ऐलानिया बोलता हूँ कि मैं और आप दोस्त हैं तो हम सबको दोस्त बने रहना चाहिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के अच्छी अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश करनी चाहिए थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग लेटली आपने एक एक गाना सुना जो बहुत सक्सेसफुल uh, रहा एंड दिस यंग बॉय लुक्स लाइक एन एक्टर बट इज अ राइटर एंड नंबर ऑफ सॉन्ग्स 200 से ज्यादा गाना ये राइटर लिख चुका है और बहुत कमाल के गाने लिखा है इफ रियली थॉट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एसोसिएशन टू फेलिस्टेट सच ग्रेट टैलेंट्स इन द इंडस्ट्री आई एल इनवाइट द सॉन्ग और आज मैं बहुत खुश हूं कि कुछ बिना मांगे मिला है वो भी इतना बड़ा सम्मान <laughs> लेकिन एक्चुअल ऑनर तो वही है जो सचमुच बगैर मांगे मिल जाए कभी खुददारी की सरहद ही नहीं लांगते हैं कभी खुददारी की सरहद ही नहीं लांगते हैं भीख तो छोड़िए हम हक भी नहीं मांगते हैं <laughs> तो इतने बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी में आपकी मौजूदगी में ये जो ऑनर है इसको मैं स्वीकार करता हूँ लेकिन हैंड ऑन हार्ट एक बात मैं दिल से कहूँगा कि ईमानदारी की बात यही है कि मैं ये आपको बता दूं कि मैंने जितने भी गाने लिखे हैं इंक्लूडिंग तेरी मिट्टी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेरे टैलेंट की उपज थे बहुत कुछ शामिल था मैं हमेशा अपने आप को एक आईने की तरह समझता आया हूँ जिस पर बड़े बड़े लेजेंड्स की रोशनी गिरी और मैं भी चमक उठा तो अगर कैफी साहब ने कर चले हम फिदा ना लिखा होता अगर उन्होंने ये ना लिखा होता कि ज़िंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं हुस्न और इश्क दोनों को रसवा करे वो जवानी जो में नहाती नहीं अगर कैफी साहब ने यह ना लिखा होता तो मैं ये कभी नहीं लिख पाता कि यह मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे

आनंद सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी है वो <laughs> तो मैं बोलूंगा कुछ नहीं थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू मनोज थैंक यू वेरी मच थैंक यू आनंद भाई थैंक यू अच्छा बिफोर वी स्टार्ट दिस वी हैड सम वेरी द लास्ट मास्टर क्लास सो दैट्स आई टू रिपीट द इंस्ट्रक्शंस पिछले मास्टर क्लास में हम ये बार बार ये बोलते हैं कि जब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होता है तो हमारी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप इनकी फिल्मों के बारे में टैलेंट uh, के बारे में एक्सपीरियंसेस के बारे में स्टूडेंट की तरह सवाल पूछें तो ज़्यादा बेटर होगा ये प्लेटफॉर्म ईमेल आईडी मांगने का फ़ोन नंबर मांगने का ऑडिशंस के बारे में बात करने का नहीं है आई एम आई एम वी आर बीन वेरी क्लियर ऑन दिस बिकॉज यहाँ का माहौल कुछ और है यहाँ पर लोग सीखने आए हैं uh, मैंने ऑडिशन दिया था अभी तक उसका जवाब नहीं मिला ये कैसे हो सकता है आप क्या कर रहे हैं ऐसे कैसे चला रहे हैं आप अपना क्लास और ये सबसे बड़ा टारगेट मुकेश छाबड़ा होने वाला मुझे पता है <laughs> तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेटस इस इस पूरे आ, शो की एक गरिमा गरिमा बनाए रखिए इसकी डिग्निटी बनाए रखिए और उसमें ज्यादा मजा होगा क्योंकि Huh? catch hold of people like ashwini and mukesh together and then listen to them. i think there cannot be a bigger platform, bigger school or bigger institution when you have people like them on the dais. so with a big round of applause, we start this masterclass over to ashwini thank and you, mukesh. thank you. hello, good afternoon, everyone. हाँ बोलो हम तो घर की बातें करेंगे हम तो सुबह सुबह सात बजे बात करते हैं जवाब तो करना मेरे साथ। कभी था आपको ये करना पड़ेगा मेरे साथ <laughs> बस आज तुम्हारे साथ झगड़ा ना करो बस वही बस है मेरे लिए एंड थैंक हम लोग क्या टाइम है दो ढाई बजे बात कर रहे हैं तीन बजे कर रहे हैं सात बजे तो नहीं कर रहे तो ठीक है सुन बहन हाँ सुन भैया अब अब दस बारह साल थे हम लोग पर ऐसी अब आप घर का नेपोटिज्म चला रहे हैं इतने साल ओके सो आप मुझे बताओ कि आप पहले बताओ कि आपने अपनी पूरी जर्नी कैसे शुरू करी आपकी चाइल्डहुड कॉलेज फिल्म मेकिंग उसके वहाँ से शुरुआत करते हैं <laughs> लिख के लाया मैं सवाल मेरे को भी आता है ये सब करना <laughs> 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 um, सो आई स्टार्ट ऑफ आई आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडल क्लास फैमिली हम सब सेम ही हैं और uh, मैंने अपना कॉमर्स किया मेरे दोनों पेरेंट्स टीचर्स हैं और उनको चाहिए था कि मैं पढ़ लिख के अच्छी बनूँ तो पढ़ाई करूँ ठीक से पर हुआ नहीं मेरे से पढ़ाई और क्लास ट्वेल्व में मैंने डिसाइड कर लिया अक्टूबर सेकेंड मुझे आज भी याद है गांधी जयंती के दिन मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मैं से अभी पढ़ाई वढ़ाई होगा नहीं मुझे बुक कीपिंग का ए टू बी क्या होता है वो भी नहीं समझ में आता है मैथ्स में सो so, तो उन्होंने मुझे बोला कि बार हम लोग तो बेटा बिजनेस नहीं है तो हम पेंटिंग कैसे बेचेंगे <laughs> तो मैंने बोला कि पेंटिंग तो नहीं बेच सकती पर मुझे कुछ तो आर्टिस्ट बनना है वो नो बी अ पेंटर Uh, वो बोलते बोलते फिर बेचारी ने जाके ढूंढा कि बोल के कि कमर्शियल आर्ट्स करके एक चीज़ होती है जो कमर्शियली आर्ट मतलब कमर्शियल आर्ट्स वाइबल आर्ट जो आपको एक पब्लिकेशन फर्म या एक एड एजेंसी में काम दिलाता है दिला देता है मतलब आप आर्ट भी करोगी और आपको पैसे भी मिल जाएंगे महीने के आखिरी में सो बट आई स्टार्टड वर्किंग राइट फ्रॉम माई सेकेंड ईयर ऑफ़ आर्ट स्कूल मैं सोफाया पॉलिटेक्निक पेरे रोड से मैंने आ, वहाँ पे सब मुझे लड़कियाँ बोलती थी कि वे यू कम फ्रॉम मुलून वेर इज़ मुलून बिकॉज उनको पता नहीं था कि ब्रिज कैंडी की लड़कियों को ये नहीं पता था कि मुलून थाने क्या होता है और उन लोग उनको हम बोलते थे डाउन तो जो ब्रिज कैंडी से आती mm -hmm. है आ, या जो अंधेरी से भी लड़की आती थी उन सबको किसी को नहीं पता था कि सेंट्रल साइड क्या होता है सेंट्रल मतलब पासपोर्ट चाहिए रहेगा किसी को आज भी आज भी अगर किसी को मैं बुलाती हूँ घर तुमको मतलब पता नहीं कितनी बार बुलाया तो लोग बोलते हैं कि इतना दूर रहती हो बट इतना दूर है ही नहीं आजकल कल बैंडा अंधेरी ज़्यादा टाइम लगता है सो सो आई जॉइन सो कॉलेज बट आई टू वर्किंग वेरी अर्ली तो मैंने जिंदगी के भर बहुत काम किया है क्योंकि आई हैड टू आई हैड टू फीड माई पेरेंट्स एट द सेम टाइम आई हैड टू हैल्सो मेक श्योर दैट आई एम वर्किंग एंड स्टडिंग बिकॉज द आर्ट स्कूल के जो मटीरियल होते हैं ना बहुत एक्सपेंसिव होते हैं जैसे कैमरा खरीदो वो टाइम पे इट वॉज अबाउट सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ हो वो बहुत वेरी वेरी एक्सपेंसिव तो आई यूस टू डू इवेंट डिज़ाइन आई यूज टू डू लॉड ऑफ लोगो डिज़ाइन तो मैंने बहुत काम किया वैसे तो मैं रोज़ सुबह कॉलेज जाती थी वहाँ से मैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जाती थी यहाँ पर बरसों हुआ में एंड इवेंट डिज़ाइन करती थी मैं फिर घर जाती थी मुलुन में तो ये था मेरा जर्नी एंड फाइव ईयर्स के बाद आई पास आउट एज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्राम कॉलेज तो मुझे एक डायरेक्ट एंट्री मिल गया एज अ विजुअलाइजर विथ फाइव थाउजेंड रुपीज़ सैलरी दिस एम टॉकिंग अबाउट टू थाउजेंड इन द ईयर टू थाउजेंड मिलेनियम ईयर और फाइव थाउजेंड रुपीज़ सैलरी के साथ मैंने ट्रेनी विजुअलाइजर की तरह ज्वाइन किया पर फ्रॉम बिकमिंग अ ट्रेनी विजुलाइजर टू वर्किंग इन एडवर्टाइजिंग फॉर सिक्सटीन ईयर्स हेडिंग द कंपनी इन द क्रिएटिव साइड तो बहुत सारे एड फिल्म लिखे मैंने आर्ट डायरेक्शन से मैंने लिखना चालू किया लिखने से uh, फिर एड्स डायरेक्ट करना चालू किया एजेंसी के अंदर ही और uh, मैंने सबसे सबसे ज़्यादा काम मेरा सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के साथ था जहाँ पे मैंने uh, uh, जिस तरह से हम फिक्शन शो को देखते हैं वो मैंने चेंज किया जैसे बड़े अच्छे लगते हैं वो द फर्स्ट टाइम एड कैंपेन फॉर बड़े अच्छे लगते जो सोनी so टेलीविजन में आता था एंडशन यान के बी सी कमर्शल इंडियन आइडल के जितने कमर्शल्स थे वो तो वो करते करते uh, शारिका को याद रहेगा कि हमने एक कमर्शल uh, किया था विच वॉज़ बेसिकली द होल आइडिया वॉज एक लड़की जो एक हरियाणा जगह में रहती है एंड शी वट्स टू कम ऑन टू के बी सी उसको एजुकेशन बहुत पसंद है पर उसके पापा हमेशा उसको बोलते हैं कि एजुकेशन तुम्हारे लिए थोड़ी ना है तुमको तो शादी करके घर बसाना है तो वो कैसे करके पढ़ लिख के वो मिस्टर बच्चन के सामने जाके बैठ जाती है के बी सी के सेट पर तो मिस्टर बच्चन उसको पूछते कि आपको आपके देश को क्या बोलना है तो वो बोलती है मुबारक हो लड़की हुई है दैट रेजोनेटेड अ लॉर्ड उसको एक एड फिल्म में आई थिंक नेशनल अवार्ड भी मिला सब कुछ तो हुआ तो नहीं मैंने करी थी वो हाँ कास्टिंग कास्टिंग तुमने नहीं की <laughs> कास्टिंग नहीं की हाँ हाँ जोगी जी ने दी सॉरी बट <laughs> तब बट उसके बाद जो मेरी तुम्हारे साथ जो स्टार्ट हुआ वो बहुत लंबा चौड़ा चला ना अभी अभी ना करूँ तो अभी नींद में आ जाएगा मुकेश <laughs> <laughs> अब तो मतलब yeah. जब मैं ऐसे सत्तर साल का हो साल के फिल्म की बात करेंगे, तब ही मैं ही करूंगा हाँ तो ये ऐसा होता है ना कि मैंने बोला नहीं कि मैं फिल्म स्टार्ट कर रही हूँ, क्यों मैसेज आ गया कि अभी कौन है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो बस बाहर से मैंने शुरुआत की और मुझे ऐसा लगा कि मुझे फिल्म बनानी है क्यों बनानी है मुझे नहीं मेरे को बॉलीवुड में किसी को नहीं जानती हूँ बॉलीवुड में एक एडवर्टाइजिंग ad, एजेंसी से आती हूँ कॉपरेट uh, वर्ल्ड से आती हूँ तो जैसे मैंने पीएनजी क्लाइंट्स के साथ बात किया मैं बहुत हाई फ्लाई ऐसे ट्रैवल करती थी टेलीकॉन्स करती थी और फिर मेरे को जाना था बॉलीवुड में जहाँ पे मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि किसको जाके क्या पिच करूँ मैं तो निल पटे सन्नाटा मैंने लिखा था ये बोल के कि मुझे ये पिक्चर बनानी है कैसे बनाऊँगी कुछ नहीं पता मुझे और uh, मैंने लिखा था और मैंने सोचा था कि ये कोई तो बना देगा बस मुझे पिच ये फिल्म और ऐसी फिल्म है जो सब जगह पहुंचनी चाहिए तब ये नहीं सोचा था कि इतने पैसे में बनेंगे ये एक्टर होगा ये जो बॉक्स ऑफिस रिटर्न क्या वो सब आपको बहुत मैनिपुलेट करता है ये सब चीज़ें जो आप जिसके लिए आए हो वो आप वो चीज़ कभी नहीं भूल सकते हो आप आए हो टू टेल गुड स्टोरीज बिकॉज एवरी थिंग एल्स इज अ बाई प्रोडक्ट कि बॉक्स ऑफिस में क्या नंबर्स बनाया फिल्म फ्लॉप हुई हिट हुई ये किसने क्या किया फर्स्ट डे कलेक्शन ये ये जो ट्विटर जो आप सबको आपके दिमाग को ख़राब कर देता है उससे तो धूरी भागना चाहिए सो देन अजय राय केम इन टू माई लाइफ और अजय ने स्क्रिप्ट पढ़ी और अजय ने बोला कि अश्विनी जी ये तो फिल्म बना सकते हैं हम लोग आप ही क्यों नहीं डायरेक्ट करते हो उसको मैंने बोला मैं तो बोला हाँ आपने इतनी अच्छी लिखी है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको सो थैंक यू अजय फॉर मेकिंग मी अ डायरेक्टर टुडे तो मैंने स्टार्ट किया द आइडिया ऑफ डायरेक्शन वॉज नॉट वेरी इज बिकॉज मैंने काफ़ी एड फिल्म में की थी बिहाइंड द कैमरा इन टर्म्स ऑफ यून एस ए क्रिएटिव पर्सन पर मेरी मम्मी को सबसे दुख हुआ मेरी मम्मी को बिकॉज आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स और उसको उसको ऐसा लगा कि शादी हो गई थी बच्चे हो गए थे वेल सेटल जॉब था गाड़ी था कैन वैन जाके आती थी हर साल मतलब वो पेरेंट्स को ये होता है ना कि जब फ्लाइट में जाते हो ट्रैवल करते हो तो सबसे अच्छी चीज़ है मतलब यू हैव अराइव्ड इन लाइफ एंड आई वॉज आई हैड टीम अंडर मी आई हैड अबाउट फिफ्टी पीपल वर्किंग अंडर मी एंड वो सब छोड़ छाड़ के मैं अभी फिल्म बना रही हूँ वो भी बॉलीवुड में जो बिल्कुल भी कॉपोरेट का नाम नहीं है उनमें सो so, um, और फिर तुम आए मेरे लाइफ में वो तो इम्पोर्टेंट था हाँ या सो इट वॉज दैट बट नीलबट एज स्टिल माई मोस्ट फेवरेट फिल्म द रीजन बींगी नहीं सोचा कि इतने पैसे में बनी है, इसका क्या पैसे हुआ आ, या आ, ये इस ये मार्केट के लिए है तो ऐसी फिल्में बन सकती है कि नहीं बन सकती वो सब मैंने कुछ सोचा ही नहीं दैट हैड दैट फिल्म हैड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एवरीथिंग गोइंग रॉन्ग बिकॉज हम एक ऐसे सोसाइटी को दिखा रहे थे जो सिनेमा में हमने देखी नहीं है बचे जैसे हम बोलते हैं मार्केटिंग में एस एस सी 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 प्लस जो सबसे लोअर रैंक के होते हैं और फिर एक माँ और बेटी की कहानी बता रहे हैं उसके ऊपर हम एक uh, ऐसे सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं जो हमको ऐसा लग रहा है कि एक आम जो लोग होते वो कभी रिलेट ही नहीं कर पाएंगे बट दैट वॉज अ फिल्म विच गॉट रिलेटेबिलिटी अक्रॉस एवरी वन इट वॉज रिलेटेबल विथ इवन पीपल सिटिंग एट पेडर रोड जिन्होंने मेरे को मैसेज करके बोला कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट द स्टोरी द स्टोरी वॉज इम्पॉर्टेंट इज बिकॉज इट वॉज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड अ चाइल्ड अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड एंड हम अपने लेवल्स पे ऐसे बिहेव करते हैं मे बी जो लोग मर्सिडीज में घूमते हैं वो अलग लेवल पर अपने माँ बाप को डिस्टर्ब <coughs> करते रहेंगे जो यहाँ पे रिक्शा में जाते हैं वो अपने अपने माँ बाप को अलग रीत में डिस्टर्ब करते रहेंगे पर द आइडिया ऑफ एन स्क्रूटनाइजिंग एन आइडिया एंड दिस इज दी डूंग मास्टर क्लास मुझे ऐसा लगता है कि इसकी तरह बनाना चाहिए ये हिट हुआ तो मतलब इसकी तरह हम स्टोरी लिखेंगे um, सब जो पैरामीटर्स होते हैं templates. उसको और जो टेम्पलेट्स होते हैं ना वो निकल जाना चाहिए बिकॉज जब बरेली की बर्फी लिखी मैंने और उसके बाद जब हम स्टार्ट किया मुझे सब लोग ने बोला कि तुम एक स्मॉल टाउन में लेके जा रही हो उसमें कॉमेडी uh, है पर कॉमेडी नॉट इन डेविड धवन स्पेस तो ये कौन सा कॉमेडी है ये कैसे चलेगा तुम बहुत ही प्रोडक्शन क्वालिटी ज़्यादा कुछ है नहीं इट इज जस्ट लाइक इन द इन अ स्पेस वेयर पीपल वॉन्ट रिलेट टू बट दैट्स अ फिल्म पीपल रिलेटेड टू एंड आफ्टर दैट एवरी वन मेकअ स्क्रिप्ट इतने सारे स्क्रिप्ट है वी वॉन्ट मेक अ फिल्म लाइक बरेली की बर्फी हमने एक स्क्रिप्ट ऐसे लिखी है जो आपको बहुत पसंद आएगी या हमने काफ़ी फिल्में देखी बरेली की बर्फी की तरह सो आई फील दैट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट हैव फ्रेश आइडियाज एंड डोंट फॉलो द क्राउड बिकॉज जैसे ही आप क्राउड को फॉलो करोगे या वो ही करोगे जो बाकी सब कर रहे हैं एंड वी आर लुकिंग फॉर न्यू आइडियाज़ वी आर लुकिंग टू क्रिएट अभी शॉप लिफ्टर्स वॉज सेलेक्टेड फॉर ऑस्करस या पैरासाइट वॉज दिसकर्स किसने सोचा था अ फिल्म कॉल पैरासाइड विल बी अ फॉरिन फिल्म प्लस अ बेस्ट फिल्म इन द मेन कैटेगरी पॉपुलर कैटेगरी में एंड दिस कुड हैव बीन अ फिल्म फ्राम इंडिया is hmm. this that we didn't we didn't see it that way so a, a film is not small or big uh, according to the size of money which is put into ya the actors which are there a film is small or big in terms of the idea aapki story badi rahegi to sab kuch maaf hai यहाँ बहुत सारे filmmaker मेकर भी हैं जिनको फ्यूचर में फिल्म बनाना है आप बताओ पहले जब फिल्म बना रहे थे तो क्या डिफिकल्टी आपने फेस करी है फर्स्ट फिल्म बनाते वक्त Uh, मुझे ऐसा लगता है कि uh, सबको लगता है कि डायरेक्शन इज़ अ वेरी इजी जॉब एंड बस मॉनिटर के पीछे बैठ ले थोड़े तो एक्टर्स को हमने बता दिया क्या करना है सात आठ हमारे एच रहते हैं सबको बता दिया कि ये ये चीज़ है तो एच तो अपना काम कर ही लेते हैं तो बस हमको जोड़ना है वो चीज़ को बट आई फील दैट फिल्म मेकिंग इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इज बिकॉज यू आर द ओनली वन पर्सन हु नोज एग्जैक्टली पॉइंट ए से पॉइंट जेड तक क्या हो रहा है सब लोग अपना अपना देख रहे हैं बट आप वो एक जन हो जिसको सब कुछ पता है और आपका फोकस कभी नहीं हिलना चाहिए um, आपको और एक चीज सीखना बहुत जरूरी है कि यू नीड टू नो हाउ टू मैनेज अ टीम यू नीड टू नो हाउ टू मैनेज अ क्रू ऑफ हंड्रेड क्योंकि वो सॉरी क्योंकि वो टाइम पे क्या होता है जब जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सब लोग ऐसे स्मूदली होता जा रहा है जब एक चीज़ गलत होती है तो सब लोग डायरेक्टर की तरफ देखते हैं एवरी वन लुक्स एट द डायरेक्टर क्योंकि उनको चाहिए कि अब अगला डिसीजन क्या होगा एंड दैट टाइम यू हैव टू टेक दैट डिसीजन वेदर इट्स राइट और रॉन्ग यू हैव टू टेक दैट डिसीजन इज बिकॉज भले मे बी एक लोकेशन नहीं मिला और सब लोग बोल रहे हैं कि ये लोकेशन मिला नहीं अभी क्या करें टाइम हमारे पास इतना ही है आठ घंटे का शिफ्ट है सेवन फोर्टी फाइव हो रहा है हमारे पास सिर्फ पंद्रह मिनट है ये सीन आज करे कि नहीं करे अगर मैं कल करूंगी तो मतलब एक दिन का सीन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा मतलब उतने घंटा वेस्ट हो जाएगा अगले दिन के लिए बिकॉज आप एक आर्मी रूल में काम करते हो जब डायरेक्शन करते हैं सो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड यू हैव टू हैव नो ईगो मैंने बहुत ऐसे देखा है कि डायरेक्टर्स को ऐसा लगता है डरेक्टर एक, uh, एक, हाँ हो तो मतलब एक uh, क्या बोलता तो है आपको लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑन दिस लाइफ ये पूरे देश में आप सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यू आर गॉड्स गिफ्ट टू अर्थ एंड आप एक पिक्चर बना रहे हो मतलब एक ऐसा डायरेक्टर हूँ मैं वो डायरेक्टर का जब ईगो आ जाता है ना तो बाकी सब चीज़ें आपकी ठीक नहीं होती बिकॉज आप आप फिर कमांड करते हो आप फिर बोलते हो लोगों को ये करो जबकि जो है सेट पे वो सब आपके दोस्त हैं वो सब आपके कलीग्स हैं वो सब वो लोग हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं आपके विजन दिखाने के लिए सो okay. so, मुझे ऐसा लगता है कि ये डायरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव To have, to have humility to be humble enough to accept your mistakes and to be humble enough to even take ideas if, if your dop is giving an idea or if your editor by chance has an idea or even if your actor has an idea it is only important that you take the inputs but you are the one who decides ki aapko karna ki karna hai. and sometimes the idea will be very good you have to keep your ego aside and say yes this is correct and i think we should do it this way कम्प्लीटली अग्री अश्विनी के साथ क्या होता है कि जितने भी क्रू मेंबर होते हैं जो एक्टर डी ओ अदर पीपल वो सबके साथ ऐसा रिलेशनशिप होता है कि ऐसा भी नहीं है कि इसका डिफिकल्ट होता है काम करना वो सबके साथ इतना बना के काम करते है विच इज़ रियली कमेंडेबल मैंने बहुत कम डायरेक्टर देखे हैं जो सबके साथ बनते हैं जिनके क्योंकि मैंने इतने डायरेक्टर के साथ काम किया है पहली बार तारीफ कर रहा है जितने साल में नहीं नहीं बस नहीं एंड ऑल्सो स्टार्टर्स एज डायरेक्टर्स डोंट गेट एक्साइटेड विदलाइन आइडिया मुझे ऐसा लगता है कि वैन यू आर स्टार्टिंग ऑफ एज अ डायरेक्टर इधर यू सी देर आर वेरी फ्यू राइटर्स डायरेक्टर्स मतलब राइटर्स जो लिखते हैं फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं उसको देर आर लॉर्ड ऑफ ओनली सोनली डायरेक्टर्स हैव टू डिपेंड ऑन अ राइटर टू गैदर स्क्रिप्ट आउट बट इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू वर्क अलॉन्ग विदर फॉर योर स्क्रिप्ट भले ही आप डायलॉग्स नहीं लिख पाए भले ही आपको स्ट्रक्चर hmm. की का एहसास नहीं रहेगा बट फिर भी द मोमेंट यू वर्क अलॉन्ग विद द राइटर एंड गिव द राइटर द क्रेडिट इट्स फाइन इट्स फाइन टू गिव द राइटर द क्रेडिट आपका हक नहीं चिंता अगर आप राइटर के साथ काम कर रहे हो राइटर पूरा क्रेडिट लेके गया इट्स इट्स परफेक्टली फाइन इज बिकॉज दैट राइटर इज़ हेल्पिंग यू डायरेक्ट योर फिल्म सो यू वर्क बट यू वर्क अलॉन्ग विद द राइटर इज बिकॉज क्या हो जाता है जब विजन ए और बी होता है ना तो फिल्म का खिचड़ी हो जाता है तो विजन एक होना चाहिए सो मे बी यू हैव अ गुड स्टोरी एंड यू हैव अ राइटर फ्रेंड तो आप दोनों आप साथ में लिखो या उनको बोल लो एक हफ्ते में एक बार आप लोग मिलो आप देखो कि क्या हो रहा है बिना कोई ईगो के साथ भले आपका नाम ना आए उधर फिर भी डायरेक्टर गेट्स ऑल द क्रेडिट बिकॉज यू हैव मेड द फिल्म बट एट दफ द डेट इज योर विजन ऑल्सो इन दैट स्क्रिप्ट जो आप लाइफ लेके आ रहे होली फॉर फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इधर यू राइट डेड और यू हैव अ राइटर फ्रेंड ऑफ योर हुई अलॉन्ग विध यू विदाउट एनी इगोस विदाउट हु इज गेटिंग द क्रेडिट फॉर वॉट इस बिकॉज वो सब बात की चीज है कि क्रेडिट किसको मिल रहा है पहले स्क्रिप्ट ही नहीं बनी है डिरेक्ट हुआ नहीं है चीज एक्टर्स नहीं आए और आप बोल रहे हो कि क्रेडिट किसको मिलेगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही बहुत गलत रहता है करेक्ट और दैट uh, फिल्म uh, बनी नहीं आइडिया आए नहीं और एक्साइटमेंट इतनी हो जाती है कि पूरी दुनिया को बोल देते हो कि हम फिल्म बना रहे हैं uh, मुझे लगता है वो सबसे वर्स्ट चीज होती है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज समथिंग कॉल्ड कीपिंग सम थिंग्स टू योर सेल्फ टिल द टाइम इट डजेंट मटेरियलाइज बिकॉज ये इतनी फ्लेकी इंडस्ट्री है कि आज आपके पास एक स्क्रिप्ट होगा और आप एक प्रोड्यूसर के पास जाते हो वो टाइम पे सब कुछ बहुत अच्छा रहता है बट द मोमेंट यू डोंट गेट एन एक्टर और द बजट ए नॉट वर्किंग वेल तो फिर आप क्या करोगे बनेगी नहीं ना फिल्म पर पूरी दुनिया को पता चल गया कि आप फिल्म बना रहे हो इट जस्ट विल डीमोटिवेट यू सो मच

You as directors, your job is to tell a good story, whether you tell it in an in an Ott platform or you tell it in in a cinema because the way cinema and OTt is working is very different now. You would be far more happy that there are thousands of people coming and watching your film with your name written there as director on an Ott platform versus seeing an empty theater that 's the worst thing which can happen to anyone so what would you like then you would rather have ott platform and people watching your film rather than having an empty theater and ek hafte me picture nikal okay. jati hai so uh, with the ott platforms now what happens is that every director ha can get a job start working with uh, with bigger directors i would i would not say bigger or smaller that's not the right word to put in but डायरेक्टर्स हु हैव इनफ एक्सपीरियंस एंड हु आर डूइंग दीज बिग शोज नाउ कि आप सेकेंड यूनिट संभालो या आप वो एक एपिसोड डिरेक्ट करते हैं तो आपको उनके अंडर सीखने के लिए भी मिलता है एट द सेम टाइम यू कैरी फॉरवर्ड एवरीथिंग बट ओनली वर्क ऑल्सो वर्क विद डायरेक्टर्स हु रेस्पेक्ट योर टैलेंट आई एम बींग वेरी ऑनस्ट विद यू गर्स डायरेक्टर्स हु रिस्पेक्ट योर टैलेंट एंड ऑल्सो डायरेक्टर्स हु कैन गिव यू एन इनपुट ऑन वे यूर गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज जाके काम करना और कुछ हो नहीं रहा वहाँ पर और आप सिर्फ uh, इधर से उधर बॉटल लेके जा रहे हो तो फिर उससे काम नहीं होता द आइडिया इज दैट हुआ फॉर यू वर्क अंडर विथ टू नर्चर यू टू बिकम समथिंग एंड दैट इज़ अ दैट इज़ अ काइंड ऑफ डायनेमिक्स यू नीड टू हैव विद योर डायरेक्टर विथ योर राइटर सो दैट यू ओनली ग्रो आई एम ऑल्सो ग्रोइंग टूडे मैं रोज आई एम ग्रोइंग एवरी डे वर्किंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आई लर्न अ लॉट फ्रॉम मुकेश

सो so, अगर आपको आर्ट आर्ट में आपके पास एक अच्छा पार्टनर है आपके पास uh, कॉस्ट्यूम्स में आप एक अच्छा पार्टनर को लेके आ सकते हैं सब आपके विजन को एग्जीक्यूट करेंगे अच्छी तरह से बट द ओनली थिंग विच दे कैन नॉट डू एंड द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज बी अ गुड स्टोरी टेलर एंड गेट आउट परफॉर्मेंसिस आउट ऑफ योर एक्टर दैट्स द ओनली थिंग एज अ ग्रेट डायरेक्टर कैन ओनली डू दैट बिकॉज मैन पीपल स्टार्ट से कि फोटोग्राफी बहुत अच्छी थी डी ने बहुत अच्छा काम किया सेकेंड हाफ अच्छा है बट फर्स्ट हाफ इतना ठीक नहीं है या कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे थे इसको कितना ब्यूटिफुल प्रोडक्शन डिजाइन बहुत अच्छा है कोई आपका परफॉर्मेंस uh, इसके बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा है या कोई आपके स्टोरी टेलिंग के बारे में बात नहीं कर रहा है विच मींस यू हैव फेल्ड समवेयर एज अ डायरेक्टर इज बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी टेलिंग देन एवरी थिंग एल्स मर्जेस एक डायरेक्टर का काम ये होता है जब एक पिक्चर देखे आप कोई एक चीज को पॉइंट आउट करके ना बोले कि ये अच्छा था ये अच्छा था लोग बोलेंगे फिल्म अच्छी थी या फर्स्ट हाफ अच्छा था सेकेंड हाफ अच्छा था ये कॉन्सेप्ट मुझे तो कभी समझ में आया नहीं है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज गुड कास्टिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कास्टिंग कास्टिंग विच इज़ नॉट बीन रिपीटेड बिफोर एंड ऑल्सो गोइंग विथ योर गट फील गोइंग विथ योर

ऐसे स्क्रिप्ट्स किए हुए हैं जहाँ पे ही वॉज ही वॉज अ गुंडा वो बाइक चलाते थे निकालते थे तो बंदूक निकालते थे गोलियां मारते थे एंड ही आई वॉज गिविंग हिम अ फिल्म विच वॉज बेसिकली अ कॉमेडी फिल्म एक प्रोफेसर का जिन्होंने लाइफ में कभी की नहीं है मुझे एंड मुकेश और मैंने डिस्कस किया था मुकेश ने बोला पंकज त्रिपाठी विल बी वेरी गुड एंड आई ऑलवेज गो विद हिज गट फीलिंग इट्स इंपॉर्टेंट दैट आई आई ट्रस्ट हिम ऑल्सो इज बिकॉज ही हैज़ अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग Uh, of uh, what kind of characters can become uh, actors, can become characters. and it is very important that you see in films characters and not actors out there. the moment you see actors out there, maslal abkakam is already flop. Hai wahan so he said, Pankaj Tripathi and in my head, i was like, good, there's something about him. i always believe that as a director, it is you who can give a chance and faith in your actors.

पंकज त्रिपाठी जी ने फिल्म के एक दिन पहले मुझे फ़ोन किया तुम भी थे तुमने भी फ़ोन किया था मुझे बोल के कि मैं नहीं आ रहा हूँ हमला क्यों नहीं आ रहे हो नहीं मुझे नहीं आना मुझे बहुत डर लग रहा है मुझे नहीं लगता मैं ये सब कर पाऊंगा अश्विनी जी पूरे जिंदगी भर मैंने एक बंदूक उठाया अभी मैं पेपर एग्जाम पेपर लेके कैसे बाइक में जाने वाला हूँ मेरे से नहीं होने वाला ये चीज़ ऐसे सर अब ट्राई तो करो देख लो अगर नहीं पसंद आया तो चले जाना वापस फिर देख लेंगे था, जो एक आर्मी चला, चलता था और मुझे उसको देख के ना बहुत हंसी आती थी पर वो बहुत शार्प था बोला सर मिल गया आपको आपका कैरेक्टर आप आ जाइए लिटरली मुकेश पुटिम ऑन द फ्लाइट ही लिटरली पुस्टम टू टॉक मोर अबाउं वो अब सेम आपने जो बोल दिया क्योंकि क्योंकि पहले जब पंकज चिल्लर पार्टी में छोटा सा रोल किया था बहुत आज लोगों को याद है कि नहीं याद है उसने फिर एकदम नेगेटिव सुल्तान किया उसके बाद सिर्फ सुल्तान के रोल उसको मिल रहे थे तो उसके बाद जब बरेली की बारे में फोन किया तो पहले नहीं आ रहा नील भट्टे नील भट्ट हाँ। तो बहुत वो घबरा रहे थे तो आई थिंक शुरू में हर एक्टर को लगता है एक्सपेरिमेंट लेकिन हमारा जब ट्रस्ट खुद का होता है फिर डायरेक्टर का होता है तो आई थिंक हम पुश करते हैं

बिकॉज उनका ध्यान तो रहता नहीं है वो इधर उधर इधर उधर, उधर पता नहीं कहाँ फिरते रहते हैं नील बटे सन्नाटा में जो बच्चे थे पिंटू पिंटू यू ओंट बिलीव इज अ किड फ्रॉम लखनऊ जो स्पेसिटिक बच्चा है ही इज ट्वेंटी फोर इयर्स ऑफ एज एंड इन नील बटे सन्नाटा ही वॉज लाइक अ क्लास 10 किड विच ऑज लाइक फोर्टीन एंड अब मुकेश की टीम ने पता नहीं उसको कहाँ से ढूंढा वो वो बेचारा कुछ ज्यादा काम करता नहीं है तो वो रामायण का जो होता है उसको लेके घूमता है वो वो पूरे लखनऊ में थिएटर करता है वो भी थिएटर मतलब नॉट द रेगुलर थिएटर बट दिस काइंड ऑफ थिएटर वी फाउंड दैट बॉय एंड देन आई डोंट नो हाउ मेनी किड्स अबाउट हंड्रेड हंड्रेड एंड फिफ्टी किड्स He went across Agra, Lucknow, uh, Kanpur, Delhi, Bombay. So many kids across everywhere. And uh, then we finalized 10 kids, or 10 kids say we finalized five kids. I always make sure uh, that without any ego, I make sure that Mukesh always takes a workshop with my actors. And that workshop is not about anything from the script.

और मुझे याद है कि जब वो सीन था कि क्या अबे तुमने बोला क्यों नहीं और तुम्हें वो पुश करता है उसको तो आयुष्मान को बेचारा बहुत दुख हो रहा था वो उसको कैसे पुश करेगा फिर उसने उसको मारा और फिर आके और फिर आके मुझे बोलता है मैं कैसे उसको मार सकता हूँ यार इतना अच्छा लड़का है ये राजकुमार और फिर जाके उसको सॉरी भी बोलता है कि सॉरी यार मैंने तुझे मारा और है ना कि दुनिया के वाले की हर लड़की कुंवारी

बट यू स्टार्ट डिस्कवरिंग यूर सेल्फ एज एन एक्टर आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैटिंग डायरेक्टर एंड द डायरेक्टर वर्क टूगेदर टू गेट आउटल शेड नेवर डन फिल्म लाइक दिसम शी वॉज दे एंड वो वाले सीन में जहाँ पे वो वेट करती है आयुष्मान आता है चिराग और बोलता है कि Uh, सौ के सौ के भाव में हम uh, नहीं दो दस के भाव में हम सौ छपवा देंगे बस आप क्वांटिटी बोल दो uh, जुबली गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए और माँ आ रही है बोल रही है कि बेटा तुम्हारी शादी हो गई तो वो वाला जो चीज़ है ना तो इन ऑल दो सीन्स एक्चुअली सीमा मैम वो कुकिंग इन साइड शो इज़ कुकिंग रियल फूड इज बिकॉज उनको इतनी भूख लग रही थी और हम लोग ब्रेक ले नहीं रहे थे और उनको बोर हो रहा था अंदर खड़े रहने के लिए तो उन्होंने खाना बना दिया और उसके बाद हमने भिंडी दाल चावल सब खा लिया पर कृति फ्रॉम द फर्स्ट डे वैंड शी केम ऑन सेट एंड यू नो यू हैव दिस मैनेजर्स आ जाते थोड़े अप रहते कि आपको समझ में समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है और फिर आप एक कोने पर बैठते हो देन शी सो जी सीमा पावा सब ऐसा मस्ती कर रहे हैं पता नहीं क्या चल रहा है रोज ऐसे मस्ती चल रही है वहाँ पे एंड शीड आर फ्रॉम सिटिंग ऑन अ चेयर सिटिंग ऑन अ फ्लो एंड आई आस्ट कृति तुम घर पर कैसे रहती हो एंड शी सेट ऐसे रहती हो तो बोलो कि तुम यहाँ पे कौन सा क्या हो गया यहाँ पे अलग कि तुम uh,

Bitty there, who got so much in love with the character. I think we spoke about Neil Bittay's Anata, now let's tell me what Panga. Yeah, Panga has been a very, very interesting journey. Is because again, um, uh, so uh, Kangna was in my mind. I always knew that Jaya has to be Kangna, and then I had to find uh, uh, the boy who looks like Kangna, or the husband, and I had to find the husband also.

एक एक्टर का नसीब होते है मेरे फिल्मों में काम करना और कहाँ ना कहाँ उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो फ़िल्म में आ जाता है वो वो अपने आप अप फिल्म में आ जाता है और हमने बहुत सारे बच्चों को ढूंढा बहुत सारे जगह से और आदि आदि के बाल बहुत लंबे थे ही वो बहुत सारे एड्स करता है बहुत सारे वैसे चीजें करता है बहुत लंबे थे और हमने आदि को बोला कि तुम बाल अपना छोटा कर दोगे एंड hmm. एंड मेरे को पूरी दुनिया ने जो मेरी टीम थी उन्होंने बोली थी मैम ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है लड़का इट एन लुक ओली लाइक कंगना सन और पता नहीं बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है बट आप देर इज वेन दैट आई अंडरस्टैंड वॉट आर अग बट दिस इज अ कॉल आई एम टेकिंग एंड रिमेम्बर मैन फादर है गिव लाइफ टू पीप टू एक्टर्स और टू एनी पर्सन सो दिस बॉय इज़ फ्रॉम उत्तराखंड ही लव्ज एक्टिंग और उसके पापा मतलब पता नहीं कितनी बार तुम्हारे यहाँ पे आए रहेंगे करेक्ट और उसने स्कूल वोल छोड़ दिया और ये यहाँ पर आके बस ऑडिशन दे रहा था अपना बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था और जिस दिन हम लोग को बोलिए बच्चा अच्छा लगा हमने बोला उनको कि ओनलीफी स्टार्स गोइंग टू स्कूल इज वेन वी विल Uh, take you in take this him film, him, yeah. or we are not going to be taking you into this film. You have to go back to Uttarakhand. And uh, it was very nice that uh, we made sure that Fox gives the money and uski jo puri usme se unhone And they put him in a school here, and he's doing really well. And saath mein he started acting. He's a great kid. Very yeah. Then how did Jassigil come? Because he's the heartthrobe of right now. Everyone wants a boyfriend like him. So Jassigil happened. तो मैं ढूंढ रही तो मजा नहीं आ रहा था मेरे को और कंगना का हस्बैंड भी लगना चाहिए बट एक दिल का एक अच्छा इंसान होता है ना वो भी लगना चाहिए और आदि का बाप भी लगना चाहिए ना बहुत सारी चीजें हैं तो आदि को हमने थोड़ा कर्ली हेयर भी दिया कंगना को थोड़ा मैच करते हुए घूमता <laughs> वीडियो भेजा

फर्स्ट इंस्टेंस में आप देखोगे बोलोगे यार ये मेरी फिल्म में, में कैसे आ सकता है ये तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा चांस ही नहीं है उसके बाद वो कनाडा में था फिर वो कनाडा में था ये गॉन टू मीट हिज फैमिली एंड उसने ऑडिशन भेजा ऑडिशन में भी इट वाज लाइक फुल योर टाइप बिकॉज वो पंजाबी वाला स्टाइल में फुल ओटीटी मतलब जो भी बोल रहे हैं ना कि वो वाला सीन आई थिंक किया था उसने एक पास एक बार मैं बोल कैसे तो, काम करूंगा? मैं कैसे काम करूंगा? हाँ मैं मैं कैसे काम करूंगा या एक ही बार तो बोलना है फिर बोल देना कि नहीं हुआ वो इतना इमोशनल सीन है और उसने कुछ तो, कुछ तो किया वो वीडियो है मेरे पास वो बोलता है कभी मत दिखाना किसी को पर इट वाज आवर इंट्यूटिवनेस दैट वी फेल्ट एंड इट वाज आल्सो मुकेश टोल्ड मी दैट कर तू मजा आएगा वो जो मजा आएगा वाला चीज है ना वो इट इज ऑल्सो अ डिरेक्टर कि इस भी कुछ मैं कर सकती हूँ आई कैन लाइक रियली वर्क विथ हिम एंड और एक मेरा टिकमाक हो जाएगा कि ठीक है मैं और मैं एक कुछ किया, एक कुछ किया हमने कुछ वी है एडेड सम थिंग सो दैट्स ऑफ जस्ट ही हैपेन्ड वेयर फ्रॉम कलर्ड हेयर टू डार्क हेयर टू चेक शर्ट रेड रेड टी शर्ट से हम हमेशा जब आता था एक बार उसने कुछ तो गलती किया था आई थिंक शूट के दिन um, थोड़े उसके उसकी मोहगे ना बहुत लंबे हो गए थे तो मैंने दोनों को बुलाया जैसी और उसके हेयर ड्रेसर को मैं बोला कि ज्यादा लंबा हो गया क्यों बोला कि नहीं नहीं तो नहीं हुआ है बोला नहीं हुआ है हंड्रेड परसेंट बताओ मुझे <laughs> देखा हमने फोटो एक्चुअली वो ज्यादा था क्योंकि हिल रहा था बाल उसका तो मैंने बोला जाओ वापस ठीक करो इसको तो हर बार जो सुबह आता था मेरे को प्रशांत दिखता ही नहीं वो फिर जब वो कपड़े पहन ला था पहन लेता अपना तो फिर दिखता था कि हाँ ये प्रशांत है मेरा सो आई फील दैट एज अ डायरेक्टर वॉट एवर यू डू जैसे जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं कभी आप कैरेक्टर्स के साथ इतने अटैच हो जाते हो कि वो कैरेक्टर्स um, आप इतने घुस जाते हो कैरेक्टर्स में कि वो कैरेक्टर्स आप बन जाते हो इन टर्म्स ऑफ दैट फॉर मी माई प्रशांत वॉज वेरी इंपॉर्टेंट माई जया वॉज वेरी इंपॉर्टेंट माई आदि वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इवन दैट इवन दैट भाभी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी या द कोच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मीनूज कैरेक्टर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट उनकी जो दोस्ती है वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए तो फॉर मी द कैरेक्टर्स बहुत टाइम तक रहते हैं इसके लिए फॉर मी टू गेट आउट ऑफ अ फिल्म टेक्स मी रियली लॉन्ग टाइम क्योंकि मैं इतनी घुस जाती हूँ ना एक्टर कैरेक्टर्स में कि मुझे वो एक्टर्स दिखते ही नहीं है मुझे कंगना कभी कंगना दिखी ही नहीं मुझे हमेशा कंगना जया दिखी मुझे फर्क ही नहीं पड़ा कि वो कंगना है मुझे फ़र्क पड़ा कि वो जया है सो so, उसके लिए uh,

और और एक चीज़ जो है जो आ, मुझे ऐसा लगता है कि जो अनु अनुभव जी ने बोला और मेरे को बहुत बार पूछा गया ये चीज़ कि रिचा ये विंग कंगना वो विंग कैसा होता तो मुझे तो पता भी नहीं था एज अ डायरेक्टर आप थोड़ी ना आइडियोलॉजी के साथ डिस्कस करके अरे ये ये, ये आइडियोलॉजी चलो इसको अभी ये फिल्म में लेते हैं ऐसे थोड़ी ना होता है।, है आप लेते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये करेक्ट है कैरेक्टर्स के लिए और मुझे बहुत टाइम के बाद पता चला अच्छा वो ये तो दो अलग आइडियोलॉजीज़ के एक ही सेट पे पर आई फील आर्ट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर एंड दैट्स व्हाट वी आर एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो डिस्कशंस हो रहा था वो हो रहा था कैरेक्टर्स पे वो हो रहा था कि फैमिलीस पे वो हो रहा था एजुकेशन पर वो वो वाली चीज़ें होती और एज अ डायरेक्टर माई ओनली मोटिवेशन हैज़ ऑलवेज बीन विध अ क्रू ऑफ हंड्रेड और योर एच और योर एक्टर्स बिकॉज वो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स नहीं होते आप आपके सेकेंडरी कास्ट को भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंस देना पड़ता है जितने आपके प्राइमरी कास्ट को देते हो आप क्योंकि सेकेंडरी कास्ट ऑलवेज टेक्स द फिल्म फॉरवर्ड दे आर द वंस हु वीव जैसे एक कपड़ा होता है तो जो थ्रेड्स होती हैं जो थ्रेड्स के नॉट्स बनते वो सेकेंडरी कैरेक्टर्स की वजह से बनती है प्राइमरी करेक्टर्स की वजह से नहीं बनती वो तो so, वो करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू तो रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड देर मूड्स टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्राम डिरेक्टर्स आर इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो कि uh, मुझे आज भी याद है जब टिकट कट टिकट फाड़ने वाला सीन चल रहा था बरेली की बर्फी में आयुष्मान का मूड बहुत खराब था कैमरा से मुझे समझ में आ रहा था कि आयुष्मान का मूड खराब है और एक दो तो दिन से उसका मूड खराब था तो uh, उस दिन बहुत मूड खराब था तो मैंने उसको कोने पर लेके बोला क्या हुआ ठीक नहीं है तेरा मूड बोलो तुमको कैसे पता चल चला बोलो कैमरा से दिख रहा है मुझे तो समझ में आ जाता है सो दैट दैट्स हाउ मच यू नीड टू नो योर एक्टर्स दैट्स हाउ मच यू एंड इट्स ऑल्सो आई थिंक अ फ्लेयर की द रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्टर एंड अ डायरेक्टर द रिलेशनशिप बिटवीन अ डायरेक्टर एंड द क्रू मेम्बर्स इट्स नॉट अबाउट Subordinate and an owner. It is about coexistence. It is about co working. Because if <laughs> you respect, donge, to then is when you can feel that what is happening is correct or wrong. Um, so for me, that is very important. Or I get very close to all my actors, and they are really good friends of mine. And uh, I feel that it's important to understand their point of view. One of the most important things which I, as working for almost वॉट नाउ एटीन नाइनटीन ईयर्स इज दैट आई ऑलवेज सी द पॉजिटिव ऑफ द पर्सन इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू ओनली फोकस ऑन द पॉजिटिव ऑफ़ द पर्सन एंड नॉट द नेगेटिव द मोमेंट फोकस ऑन द नेगेटिव ऑफ एनी पर्सन हु इज़ वर्किंग विथ यू आप सिर्फ उसमें खोट देखोगे इसने ऐसा किया ये लेट आया इसने काम ठीक से नहीं किया स्पॉट बॉय बेचारा दस जगह घूम रहा है और उस वो आपका चाय लेके नहीं आया टाइम पे हर चीज में वो वो चीज़ होती है और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन द पॉजिटिव्स बिकॉज जब आप पॉजिटिव्स पे फोकस करते हो तो फिर आपको कोई नेगेटिव्स दिखेगा ही नहीं तो फिर आप वो सब प्रॉब्लम्स जो लोग बताते हैं कि होगा वो कभी होगा नहीं दैट विल नेवर हैपन सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट्स आई थिंक अ लाइफ एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है कि ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड ऑलवेज भी लिटल पेशेंट पता नहीं लोगों को सेट पे गुस्सा क्यों आता है इतना चिल्लाते हैं आई आई जस्ट डोंट लाइक पीपल एट अदर्स एंड आई ऑल्सो इट्स अ जेन्यून एफर्ट एट आई डोंट नॉट वर्क विद डी ओ पीज क्रीम ऑन सेट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सब इंसान है वहाँ पे और जब आप चिल्लाते हो तो आप पूरे पूरे सेट को. का मूड ख़राब करते हो आप

नहीं पर आपको मैं बहुत बार सुनता हूँ ना मुझे भी बार बोलते हैं अरे डायरेक्ट मैं किसी एक्टर को फोन करता हूँ मुझे बोलता है फीमेल डायरेक्टर है तो ऐसे क्वेश्चन मार करके मुझसे पूछते हैं क्योंकि तो हाँ. जब तो मैंने ही अप्रोच एक्टर्स ऑल्सो समटाइम आर ए फीमेल तो आई ऑल्सो गेट वेरी ऑकवर्ड की नो बट दैट हैपेंड लाइक व्हेन जसी केम ऑन बोर्ड जसी एक्चुअली हैड टू आस्क मुक्स दैट अच्छा मेरे को तो बॉय गैंग है ऑलवेज यूज्ड टू वर्किंग विद गाइस सो हाउ इट इज वर्किंग विद हर विद हर थोड़ा मतलब आई विल अरे ऐसा थोड़ी ना होता है अच्छा दिखने में सीधी सादी हूं पर ऐसा है नहीं मतलब चलेगा सी uh, एक लेंस होता है एक फीमेल लेंस होता है एक मेल लेंस होता है इट इज हाउ यू बिहेव विद दैट पर्सन एंड यू आर ऑन द सेट Uh, मैंने काफ़ी सुना है इनफैक्ट इफ़ यू आर्थ राजकुमारा और आयुष्मान एंड ऑल दे आर इनफैक्ट हैप्पी दैट आई एम ऑन सेट इज बिकॉज दे कैन कम एंड टॉक टू मी वैन एवर दे वॉन्ट टू उनके दिमाग में जो चलता रहेगा एक सेंस होता, होता है ना सिक्स सेंस होता है सो फीमेल गेज जो होती है वो सिक्स सेंस वाली चीज़ होती है जब आपको पता चल जाता है जैसे कि मैंने तुम्हें आधे घंटे पहले कुछ पूछा करेक्ट <laughs> सो so, वो एक गेज होता है एंड uh, हाँ आप uh, किसी को ऐसा लगता है रिस्पेक्ट के लिए कि आप गाली वाली दोगे नहीं मेरे सामने पर ठीक है कोई ऐसा है नहीं बाद में बाहर दे देना पर ये भी नहीं है जिसको जो करना है वो कर सकता है ऐसा है नहीं पर एक रिस्पेक्ट वाली चीज़ आ जाती है एंड वो जब आप कंफर्ट फैक्टर में आ जाते हो तो अपने आप वो फिर थोड़ा टाइम के वो तो लेंस भूल जाते हैं दिल बटे सन्नाटा के टाइम पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी जब मैं लाइन प्रोडक्शन आगरा में कर रही थी बिकॉज फर्स्ट टाइम कोई आगरा में शूट कर रहा था बहुत टाइम के बाद मतलब पता नहीं कितने साल के बाद कोई आगरा में शूट कर रहा था आगरा के लोग थोड़े से टेढ़े होते हैं तो आ, आ, तो स्टार्टिंग में वो लाइन प्रोड्यूसर ने मुझे दस बार तो सर बोला तो मैंने बोला कि यार मेरा फेस देखे तो तुमको पता नहीं सर क्यों दिख रहा है बट ठीक है कोई नहीं <laughs> आ, फिर वो ना कभी मैं उसको ब्रीफ कर रही हूँ मेरे को आयस का घर ऐसा चाहिए मुझे ये चाहिए तो वो वो इधर दिखता बोला कि भैया आप यहां पे देखो ना मैं बात कर रही हूँ आपके साथ वो यहाँ पे देखेगा फिर थोड़ा टाइम के बाद उसको समझ में आ गया कि इससे हम दूर तो भाग नहीं सकते अभी यही है इसका सुनना ही पड़ेगा तो फिर सुनने लग गए फिर जब उनको पता चला कि यार ये चिल्लाती विलाती है नहीं ये मतलब जो इनकी बातें हैं वो क्लियरली बता देती है अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा अगर नहीं किया हो काम तो ठीक है बता देगी कि नहीं किया फिर उनको आदत हो गई अगले फिल्म में सेम लाइन प्रोड्यूसर क्योंकि रति जी है तो रति जी के वो जो आते हैं वो ही हैं वो आए उन्होंने तभी बोला मैम कैसे हैं आप अच्छी हो मैम मेरी डॉटर है ना उनको है ना एडिटिंग सीखना है आपको क्या लगता है वो यहाँ पे आके थोड़ा ट्रेनिंग कर सकती है आपके अंडर दिस इज वॉट चेंज इज और मुझे ऐसा लगता है कि दिस चेंज इज इम्पॉर्टेंट इज बिकॉज जब तक आप नहीं जाओगे और आप वो चेंज नहीं दिखाओगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो चेंज हो रहा है करेक्ट। वी मेक श्योर दैट वी हायर मोर गर्ल्स इन आर टीम्स माई डी ओ पी हैजू असिस्टेंट सन असिस्टेंट सी एज विम एंड मुझे ऐसा लगता है कि हर फील्ड हर डिपार्टमेंट में एक दो लड़कियाँ को हायर करना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज दैट दट दिस की सेट अ लिटल मोर सीना खाना भी मिलता है बहुत सारा सिर्फ लड़कों को खाने की जरूरत नहीं हम भी खाते हैं अच्छी तरह से खाते हैं <laughs>

बहुत सारी फिल्में बनती है ठीक है जब मेल एक्टर्स होते हैं तो हम उसको मेल सेंट्रिक फिल्म्स क्यों नहीं बोलते है? जब फीमेल्स आती तब हम उसको फीमेल सेंट्रिक फिल्म बोलते ऐसा क्यों पहले तो वो बताओ मुझे उसी को तो तो चेंज करना तभी आपसे एक मिनट एक मिनट जब एक्टर्स मेल होते हैं मेल्स अभी तो मैं डाल दूंगी मेल सेंट्रिक फिल्म्स और वो मेल सेंट्रिक फिल्म्स अगर फ्लॉप होती है तो कोई क्यों नहीं बोलता कि ये मेल सेंट्रिक फिल्म फ्लॉप हुई जब फीमेल्स आते हैं और फीमेल बेचारी एक स्टोरी बोल रही है शी इज लीडिंग द फिल्म जस्ट बिकॉज वी स्टिल हैव सम शोविनिस्टिक पीपल सिटिंग आउट देयर एंड ट्राइंग टू फिगर कि ये मेल है ये फीमेल है ये बुढ़्ढों का फिल्म है ये यंग जवानों का फिल्म है ऑडियंस ऐसी नहीं आती फिल्म में देखनी अगर ऑडियंस ऐसी आती फिल्म में देखनी तो फिल्म लाइक अभिमान फिल्म लाइक इजाजत फिल्म लाइक मिर्च मसाला फिल्म लाइक मदर इंडिया वुड हैव नेवर वर्क इन दिस कंट्री Because audiences are seeing that film and they are coming and enjoying a story. We are the people जो उसको bifurcate करते हैं कि हाँ ये female centric film है ये male male centric तो बोलते नहीं अभी तो मैं male centric film बोलने वाली हूँ ये female centric film है ये बच्चों वाली film है I understand when you categorize a film on the age group is because बच्चों की film अलग होती है like the, the tone is different you it's categorized differently इसके लिए चिल्ड्रंस फिल्म होती है चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल होती है आप जब एक बुक पढ़ते हो इनमें से किस, कितने लोगों को पता है कि सिडनी शेल्डन कौन है मेल और फीमेल फीमेल मेल या बट मेल फीमेल नोवन नोस राइट यू आर स्टिल कंफ्यूज गो ऑन मेल राइट नाम क्या है फर्स्ट चीज क्या पता चलेगा आपको हा वेन वी रीड स्टोरीज वेन वी रीड नॉवल्स हमको ये थोड़ा ना पता रहता है कि आदमी है कि औरत है किसने लिखा है स्टोरी पढ़ते बहुत अच्छी लगती है हम निकल जाते हैं क्यों फिल्मों में हम ये गर्ल ऑन द ट्रेन गर्ल विद ड्रैगन टैटूस्ट दोस्ट वॉशिंगटन पोस्ट मेरल स्ट्रीप हैव यू एवर कॉन एंड सेट दर्ट इट्स अ फीमेल फिल्म डन दैटेज सीन दट फिल्म अमेजिंग फिल्म और हमने कभी नहीं बोला की इजाजत हो या, मासूम हो, या, आ, या मिर्च मसाला हो या मदर इंडिया हो या आ, 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 इवन लम्हेगनिस्ट श्रीदेवी जी फिल्म तो था, से हाँ, मुझे से मुझे मैं तो सवाल नहीं पर मुझे मुझे <laughs> नहीं क्योंकि जब तुमको नेक्स्ट टाइम फिल्म आएगी ना तुम बोलो भैया ये मत बोलो कि मेल सेंट्रिक है कि फीमेल सेंट्रिक है पहले तो बोल बोला मेल फिल्म कर रहा क्या <laughs>

एक एक सिनेमा ऑडियंस मूवी को देखते हैं आप फिर आप भूल जाते हो कि आप क्या देख रहे हो आप सिर्फ आपको सिर्फ कैरेक्टर्स याद रहते हैं और जिस टाइम पे आप कैरेक्टर्स को साइड देते हो लाइक यू सपोर्टिंग वन कैरेक्टर एंड यू आर सेइंग दैट यार ये कैरेक्टर को ना आगे बढ़ना चाहिए या आई डोंट लाइक दैट पर्सन लाइक द लॉट ऑफ पीपल वैन योर कैरेक्टर्स वैन योर ऑडियंस स्टार्ट टेकिंग साइड्स इज़ वैन यू एज अ डायरेक्टर हैव डन योर जॉब

नहीं एक ही साल डेट किया तो उससे ज्यादा नहीं oh. किया हाँ तो फिर सो वी बीन वर्किंग फॉर सिक्सटीन एंड आई थिंक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में वेरी नॉर्मल फॉर हस्बैंड एंड वाइफ टू वर्क टुगेदर तो इतना कोई जैसे रॉकेट साइंस है नहीं तो uh, जैसे दो डॉक्टर्स काम करते या दो जर्नलिस्ट काम करते घर पे तो बात होगी ही ना जर्नलिज्म के बारे में या सर्जरी कैसे क्या होने वाला है अगले दिन वो तो डिस्कशन होगा बट सर्जरी दोनों साथ में जाके तो नहीं करेंगे okay. अलग करेंगे सबकी एक अलग प्रैक्टिस स्टाइल होती है तो नितेश और मेरे बीच में बिकॉज हम दोनों एक ही घर पे रहते हैं ऑब्वियसली uh, डिस्कशंस होती हैं आइडियाज़ पे ही शेयज अ स्क्रिप्ट आई आई एग्जैक्टली नो व्हाट इज देयर इन रामायण राइट नाउ सो मतलब मुझे ही आई ही टेल्स मी टू सी द स्क्रिप्ट आई इफ आई हैव एन आइडिया एंड इफ ही लाइक्स वांट्स टू राइट इट So you get excited as writers. So, the difference of ego is not there between us. Uh, things are changing now. Again, it is also because we still are in a. Uh, I'm happy things are changing, is because we still are in a very chauvinistic society where you will always. How much of a good you do, you'll always be called as someone's. वाइफ और समन्स डॉटर दैट ऑलवेज फिल्म फेयर दो कंटिन्यूज मुझे मिला था लास्ट uh, बरेली के लिए मिला निलबट्टे के लिए मिला बट uh, मुझे एक बार बहुत अच्छी तरह से याद है जब बरेली की बर्फी के लिए मुझे मिला था या निलबट्टे के लिए मुझे डेब्यू मिला था उस दिन उस टाइम uh, तो आई बॉस मेरी फोटोग्राफ आई थी वो ट्रॉफी वोफी के साथ एंड इट वॉज रिटर्न एज नितेश नितेश तिवारी इज वाइफ अश्विनी आयर विन्स बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड This is the way you, you participate in, uh, for a progressive nation where a media is telling someone has got an award and this is what you write. And uh, uh, I got a call from Mumbai Mirror uh, and they told me that, you know what, we are going to change things now. We as media people are going to change things. So next time we write something, we are going to write Nitesh Tiwari Ashunyaya's husband. Because it was important. It was important that.

Uh, ये जो फिल्म स्कूल के जो फंडेज होते हैं नियो समथिंग समथिंग न्यू फिल्म क्या होता है क्या वर्ड रियलिज्म रियलिज्म तो वो मैं एक, एक बहुत ऐसे एक में गई थी पे बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स थे तो लोग ऐसे बोल रहे थे न्यू रियलिज्म मेरे को वर्ड समझे नहीं तो आई सी पीपल बिकॉज आई टेल स्टोरीज अबाउट पीपल आई सी पीपल आई रीड पीपल आई रीड अलॉट ऑफ साइकोलॉजी बुक्स आई लव रीडिंग बुक्स बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स जब आप पढ़ते हो ना तो आप विजुलाइज करने लगते हो डायरेक्टर का काम क्या होता है विजुलाइजेशन आप विजुलाइज करते हो तो आपकी विजुलाइजेशन हैज टू भी डिफरेंट फ्रॉम समन एल्स विजुलाइजेशन अगर मुझे रेफरेंसिंग ही करना है और मुझे लगता है कि ये फिल्म का ये वाला जो एंगल जैसे शूट किया है ना ये बहुत अच्छा है सो वेन आई वॉच फिल्म आई रेयरली डू आई वॉच वेरी फ्यू फिल्म बट

तो आई डोंट वॉच एनी अदर फिल्म बिकॉज इट स्टार्ट अफेक्टिंग मी यर लॉट कि अरे मैक को भी ऐसा तो अभी क्या हो गया पंगा दो साल लग गए दो साल लिखने में एक साल बनाने में तो तीन साल हो गए तो तीन साल से मैंने ज्यादा पिक्चरें देखी नहीं एक्सेप्ट चिचोरे देखनी पड़ी मुझे तो वो देखी मैंने तो, आ, <laughs> तो आ, कैसे लगे आपको? अच्छी लगी <laughs> 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 चिचोरे पे हमारा uh, मतलब काफ काफ़ी काम था ना बेचारे को तो मैंने मॉरल सपोर्ट काफ़ी दिया उसको <laughs> uh,

Uh, like, I, I have films. Like, I, I really like one of the most. It's a, such a small film, but Maniratnam Ka Anjali is like one of my most favorite films. That's my favorite too. Then. I feel Anjali is such an important film where Reeti and the daughter is so beautiful. It's so difficult to get out performances like that. Yeah. Uh, then I like, uh, uh, I like uh, Blue Jasmine, which is a very beautiful film. और आधे टाइम है ना मेरे को ना नाम याद रखने में बहुत मुश्किल होता है मेरे को पिक्चर याद रहती है बट नाम कभी याद नहीं रहता डायरेक्टर्स के नाम याद नहीं रहते मुझे मेरे को नितेश ने एक बार बोला भी था प्लीज़ डोंट गो इंटेन टेल इन एनी इन फ्रंट ऑफ एनी वन दट यू डू नॉट नो दिस डायरेक्टर्स नेम बोला कि मेरे को याद नहीं रहता मैं करूँ क्या नहीं याद रहता मुझे बट आई नो द वर्क आई लव ब्यूटिफुल माइंड आई लव देन आई लाइक मिड नाइट इन पैरिस तो मुझे ऐसे सब थोड़े ऐसे अतरंगी फिल्में अच्छी लगती है मुझे जो विच योर हार्ट बट इन इंडिया द वन फिल्म विच आई रियली रियली लाइक इज अभिमान मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है और अंजलि uh, मुझे बहुत पसंद है uh, मुझे सही परंजबी की फिल्म्स बहुत अच्छी लगती है कि वो टाइम पे उन्होंने जिस सिम्पलिसिटी के साथ फिल्म्स बनाई थी बिना कुछ uh, ज़्यादा बोलते हुए उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया तो मुझे ऐसे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। जो अपने आप को अपनी फिल्मों से ज़्यादा बड़ा नहीं समझते So, so, oh, अच्छा अशोक जी आप वहाँ से क्यों दे रहे हो तालियों का सो <laughs> so, uh, मुझे वैसे डायरेक्टर्स बहुत पसंद है और uh, उसके लिए मैं बहुत कम डायरेक्टर्स को एडमायर करती हूँ बट मैं बहुत सारे राइटर्स को एडमायर करती हूँ मैं बहुत सारे लोगों को एडमायर करती हूँ जो मेरे आइकन्स हो जाते हैं जैसे मिशेल ओबामा मुझे बहुत अच्छी लगती है मुझे ओबामा uh, बहुत पसंद है uh, मुझे नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति बहुत पसंद है उनको मुझे लगता है कि मेरी लाइफ उनकी तरह होनी चाहिए तो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल वेन यू मीद दैम दे इंस्पायर यू अ लॉट मोर टू डू बेटर वर्क एंड स्टोरीज इज दैन कम इन माई ग्रैंड मदर इंस्पायर्स मी अलॉट तो मुझे ऐसा लगता है कि यू यू हैव टू गेट इंस्पिरेशन यू कैन नेवर बी लाइक सम वन बिकॉज एवरी वन हैज़ दे ओन जर्नी और उनकी जर्नी क्या है वो आप किसी को पता नहीं है यू कैन ओनली गेट इंस्पायर्ड बाय सम वन बट यू हैव टू मेक योर ओन पाथ जब तक आप अपने खुद का पात नहीं बनाओगे तब तक आप अलग कैसे होगे एंड हाउ वुड यू नो ये गैंग एडवर्टाइजिंग से बना सब क्रिएटिव डायरेक्टर्स थे, थे कभी किसी ने स्क्रीन प्ले लाइफ में नहीं लिखी है बट इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस पर्सन स्पार्क एंड कैन राइट इट टेक्स ऑफ ट्रायल एंड एरर स्क्रीन प्ले राइटिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब इट इज़ लाइक राइटिंग फॉर एड्स राइटिंग फॉर फीचर फिल्म राइटिंग फॉर ओ टी टी राइटिंग फॉर सीरीज दे आर आपका कैप ही बदलना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस, लाइक एक घंटा आप लिख के फिर आप तीन घंटे इंस्टाग्राम में रहोगे तो नहीं होगा वो uh, फिर आप मैंने ऐसे बहुत सारे राइटर्स को देखे मेरे खुद के uh, ऐसे दोस्त हैं जो कब से एडवर्टाइजिंग uh, में थे मेरे साथ और uh, अभी एड uh, फिल्म बनाते एंड जो एड फिल्म बनाते हैं नॉट नेसरी दे कैन मेक फीचर फिल्म ऑल्सो बिकॉज एड फिल्म आप सिक्सटी सेकेंड्स में सोचते हो वेरी रेयरली डू एड फिल्म मेकर्स एक्चुअली कैन डू लॉन्ग लॉन्ग स्किल स्टोरी टेलिंग और uh, वो क, वो कब से मुझे बोल रहा है कि आज मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ आज मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ उसने कभी तक लाइफ में बनाई नहीं है, अभी तक वो शॉर्ट फिल्म कितने साल हो गए मुझे um, बट वो हमेशा बहुत सारी पिक्चरें देखेगा बहुत सारी बुक्स रीड करेगा और बहुत सारा बोल के बोलेगा कि ये इसने ना इसमें ऐसे बनाई थी फिल्म इसने ना ये ऐसे किया ये कैमरा एंगल ये था पर तूने क्या किया तू कब लिख रहा है वेन you यू मेकिंग इट एंड आई a huge कंप्लेन दैट दैट द बजट इज ऑलवेज वेरी लेस फॉर शॉर्ट फिल्म द बेस्ट पार्ट इज that वेन यू मेक इन सो मच ऑफ अ बजट इज वेन यू हैव योर बेस्ट फिल्म दो तीन करोड़ में बनाई थी वो फिल्म उससे वी ऑल्प लाइक वी लिटरलीच अः परट काइंड ऑफ मनी मेकिंग यूजिंग द रिसोर्सेज एंड डूइंग बेस्ट फॉर यूज वैन योर बेस्ट वर्क कम्स आउट एंड यू हैव टू अर्न फॉर इट सो इट इज एंड आजकल के जमाने में तो यू कैन जस्ट टेक यूर कैमरा फोन एंड जस्ट गो एंड शूट without anything it is people look at your storytelling and the best way to judge whether you're a good director or not whether you have the capability also of, of becoming a director is by making a short film and seeing where you're going towards a lot of people have this and, and we do that with our own writers because when he's asking about writers my writers slowly slowly we started encouraging them so wrote one screenplay jahape uh, four people used to sit together now after seven years they've started writing individually. But still they need to come back is because they get lost. And it is important that you have to keep you cannot become a uh, big overnight. The idea of that screenplay, I Wo that's nahi wala. I just met uh, a lyricist who has written I don't know how many stories, how many uh, uh, फिल्म एंड स्टिल बींग वेरी हम्बल अबाउट इट एंड स्टिल फीलिंग द अर्स्ट टू राइट इज वॉट कीप्स अ परसन मूविंग अभी क्या हो गया ना हमारे इसमें कि जब पिक्चर चप जाती है आपकी फोटो आ जाती है न्यूज़ पेपर पर पे, दो तीन आपको uh, uh, आपके न्यूज़ लग जाती है तो हमारे अंदर एक एयर आ जाता है कि दिस इज वॉट इट इज एंड ऑफकोर्स वी आर ऑल्सो डज अ लॉर्ड ऑफ वर्क सो इट्स लाइक योर जस्ट टेलिंग आपने लिखी एक फिल्म में पढ़ आप बात करते हो जैसे आपने सौ फिल्म लिखी है सौ फिल्म लिखने में जान निकल जाती है पूरी लाइफ निकल, निकल जाती है तो दे आर स्टिल राइटिंग वी स्टिल वर्क इन अ टीम बट वी वी वॉन्ट देम टू गो एंड इंडिविजुअली एक्सप्लोर देम सेल्फ मेक दे एयर एंड कम बैक सिमिलरली विथ शॉर्ट फिल्मो इट इज इम्पॉर्टेंट इट इज ट्रू नॉट एवरी डिटर थिंग्स कैन बिकम अ डरेक्टर कैन बिकम अ डायरेक्टर मे बी ही इज अ बेटर राइटर Maybe he's not a good director. Maybe he's a good producer, and he's not a director. Maybe he's a good first lady. You know, the first lady job. If you go in in the Hollywood, it's the first a, lady's like job the is the job. most important thing. He gets more than the director also, because that's a different job altogether. So not all first ladies become directors. Not all directors are writers. Not all writers can become director, and. Uh, Not all directors think they can become directors. They may be damn good writers. So, you have to keep finding what's your uh, motivation. मोटिवेशन हाँ जी, तो so, आप एक्टर्स को डायरेक्ट करते हुए क्या चीज ध्यान में रखते हो क्या रखना चाहिए जो फिल्म पे बैठे जिनको फिल्म बना रहे हैं उनको क्या बताएंगे um, मुझे ऐसा लगता है कि you have to be thoroughly prepared for your job. नथिंग कैन हैपन अगर मगर नहीं सब हो सकता कि ये होगा वो होगा ऐसा सब नहीं हो सकता यू हैव टू वर्क अलॉन्ग विद योर एक्टर यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज दे फोर रीडिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ योर एक्टर टू मे इवन इफ दे डो नॉट हैव द टाइम टू मेक श्योर कि आप दस बार फोन करो वो इरिटेट हो जाएंगे बट फिर भी बोलो कि नहीं हमें कोई रीडिंग करनी है तुम्हारे साथ क्यों रीडिंग करनी है बिकॉज एक एक्टर के दिमाग में कैरेक्टर स्केच ऐसा होता है एक डायरेक्टर के दिमाग में कैरेक्टर स्केच ऐसा होता है आपके कैरेक्टर स्केच आपको पूरा आपके लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है मतलब कि अगर मैंने जया का कैरेक्टर लिया या मैंने चिराग और प्रीतम विद्रोही का कैरेक्टर लिया तो आप एक स्कूल बच्चे की तरह पेपर पेन के साथ यू विल राइट हु दिस गायस वाट इज एज वॉट काइंड ऑफ क्लोज वेयर वो अपने माँ बाप के साथ कैसा है वो क्यों ऐसे करता है वो कैसे बात करता है उसका बैक स्टोरी क्या है उसका फ्रंट स्टोरी क्या है वो उसके दोस्त हैं कि नहीं है उसको गुस्सा आता है वो एक्सपोज कर पाता है अपना गुस्सा इमोट कर पाता है रोता है बहुत जल्दी है तो प्रीतम विद्रोह का कैरेक्टर पूरा ऐसे लिखा गया था जो सिर्फ मेरे पास है वो किसी के पास नहीं रहता वो और जब आप, आपके एक्टर के साथ बैठते हो तो आप पहले तो डिस्कस करते हो कि आपके एक्टर ने क्या सोचा है क्योंकि एक्टर्स पपेट नहीं होते हैं दे हैव दे ओन देर रीजन दे आर हियर इज बिकॉज दे आर गुड एक्टर्स एंड दे गेट इन टू द कैरेक्टर सो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम माई एक्टर हाउ इज ही थिंकिंग ऑफ द कैरेक्टर एंड फिर आई जस्ट मर्ज बोथ ऑफ इट टूगैदर एंड देन आई मेक अ फ्रेम वर्क इज बिकॉज विल बी लॉट ऑफ टाइम्स योर एक्टर ऑल्सो विल कम अप समथिंग विच विल बी वेरी नाइस सो वी गेट इन टू बोथ दीज थिंग्स एंड दैट्स हाउ वी क्रिएट अ वर्ल्ड

स्पेंड एनी टाइम ऑन सेट थिंकिंग ये कैमरा इधर लगा दो ये नहीं ये लाइटिंग यहाँ से ज़्यादा अच्छा है वो सब नहीं होता पूरा ऐसे बाइबल बनती है जहाँ पे ऑल योर शॉर्ट ब्रेक डाउन साध है एवरी शॉर्ट इज डन दैट यू गो ऑन टू द सेट इन द मॉर्निंग आई शो माई एक्टर दैट आपको मैं ये नहीं बताती हूँ कि आपको एक्टिंग क्या करना है नहीं मैं ये बताती हूँ कि कैमरा यहाँ से यहाँ जाएगा आपको खड़ा रहना है या आपको बैठना है वो आपके ऊपर है बट द कैमरा मोवमेंट इज गो बी लाइक दिस एंड दिस इज वॉट इट इज सो so very एक्टर इज ऑल्सो वेरी क्लियर सो where your एक्टर विल से दैट मुझे बैठना नहीं है मुझे खड़े रहना है और मुझे लगता है कि खड़े रहकर ज्यादा अच्छा होगा फेयर इनफ नो प्रॉब्लम मेरा कैमरा एंगल तो चेंज नहीं हो रहा इट इज जस्ट and ऑन स्टैंड एंड एंड पिच थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू बी क्लियर इन योर head एज अ डायरेक्टर दैट एट दिस मोमेंट द पिच ऑफ वॉट माई एक्टर इज डूइंग इज करेक्ट बिकॉज इट इज़ मैचिंग विद माई प्रीवियस सीन यू ऑलवेज हैव टू सी बिकॉज यू आर द ओनली वन हु नोस आगे क्या हो रहा है पीछे क्या हो रहा है हम पार्ट्स में शूट करते थे यू नीड टू नो आगे क्या हो रहा है पीछे क्या हो रहा है यू शूड ऑलवेज आस्क योर असिस्टेंट डायरेक्टर इसके आगे क्या हुआ इसके पीछे क्या हुआ

और एंड आई थिंक ऑल्सो द तरीका इन विच यू अप्रोच पीपल मेरे को दिन में पता नहीं कितने मैसेजेस आते हैं आपका कुछ डायरेक्टर्स ग्रुप है जहां पर uh, किसी ने बोल दिया कि मेरे को ये डायरेक्टर का नंबर चाहिए तो अपने आप आ जाता है वो ग्रुप में करेक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेक बहुत सारे, है बोह बोह सारे ऐसे ग्रुप्स हैं क्योंकि ये मुझे मेरे फर्स्ट एडी ने बताया क्योंकि मुझे लगा यार इतने सारे लोग कहाँ से मैसेज करते हैं इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अ रॉन्ग थिंग टू डू

का जमाना चला गया है हम तो वेट करते थे कि एक बार एक फोन आ जाए तो हम सी वी वी कर सकते थे वो जमाना चला गया है व्हाट्सएप में आजकल मैसेज आते थे इंस्टाग्राम में आते है मैसेज आई रियली वॉन्ट टू वर्क यू ये वी ऑल फील वी वॉन्ट टू वी We want to work with that person is because we feel that we can learn something from him or her. But ek hota hai, you prove yourself that why do you want to work with me? And why would you what what is there for you to uh, really achieve? And deep in your heart, you really want to become a director or you want to become an actor. I have a lot of actors wanting to assist me. This is because they want to become actors, not directors. And they come and they kuch kam ni karte fir by the time it is like the

Good, good. समझ में आ जाता है इफ यू आई आई हैव हैव अ और ऐसे तो, आपको वो कौन सा मैं तो बोली थी अगर मेरा बच्चा होता ना तो ऐसा मिलता भी होता है नहीं पर आपको ऐसा कौन सा मैसेज पसंद है तो वो भी ऐसे मैसेजेस करेंगे अरे नहीं <laughs> मैं नहीं बताऊंगी सीक्रेट है <laughs> <laughs> no, on a, on a lighter note, on a very serious note, messages versus OTK, you will be sending it to a whole lot of directors it's because obviously you all need jobs, you all want to learn under people and all that. But right now, uh, because of the OTT platforms and because of so many films happening, it's actually the best time for you guys to work under good directors. But my request is, uh, like I told you all before, also only work with directors who think you can respect and you can gain respect if there are directors who say, idhar se and you're not learning anything, then there's no use of wasting your time for one year, for six months, going there, uh, working, because you're getting the money. yes, you have to pay the bills, but not learning anything and getting out and then being nowhere is because you'll have to restart that thing again. so important that be very uh, patient enough. see, i started. Uh, when what? When I was 35. Being 16 years in an industry where I was already uh, doing well. I understand how teamwork is. I understand what direction is. But for youngsters, I know one six-month-old boy who's, who came and told me that uh, he left. And this was first time someone had left me in my team and I, I was not very happy about it. And he told me that, ma'am, I want to become a director next year. तो ऐसा तू छ महीना भी नहीं हुआ तेरा मतलब तू अभी सीख रहा है और तू बोल रहा है तू अगले साल डायरेक्टर बन जाएगा यू हैव टू हैव द पेशेंस यू हैव टू हैव द लिबर्टी ऑफ लर्निंग एंड द बेस्ट पीपल हैव सीन टू बिकम डायरेक्टर व्हाट दे डू इज कीप लर्निंग एंड इट्सो ट्रिप आई एमिंग दे गेट इन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट दिस नॉट डायरेक्शन बट दे गेट इन टू डे बी दे गेट ऑन टू अ थर्ड एडी देन दे बिकम अ सेकेंड एडी देन दे गेट इन कॉस्ट्यूम They uh, even boys we uh, we like them to do costume making also, uh, then they do art AD. then they do uh, they become sometimes a DA, uh, then they even get into assisting an editor, the same film ka editor like my DA on Panga was this very young girl not even twenty when she joined it was she was twenty one, but after the film released, she was twenty four so yeah, uh, so uh, she started off as my DA. I With absolutely no experience in films, uh, only she had done her course or something in films, but she learned, 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 and, uh, and then she said, "I want to assist her cinematographer for, for a few days. She wants to assist the editor for a few days. So basically, assisting, assisting what happens is that you get to know about everyone's thinking, and then you are an all-rounder. Then you get to choose whether what's the best thing for you, what is the best thing you like and also what kind of films you want to make. i also believe that only choose uh, directors whom you want to work with, who are in par of the kind of films you want to make. so action film kisi slice of life, kisi complex thriller banana so you have to choose what your basic thing is because if you're a very action driven person, you think visuals, you think uh, कि इसको ऐसे करेंगे इसका वी एफ एक्स ऐसा होगा एंड देन यू कम फॉर अ स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म तो आपको कुछ समझेगा नहीं विल गेट वेरी बोर्ड बिकॉज यू नॉट थिंकिंग दैट वे सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो विच डायरेक्टर यू आर वर्किंग अंडर फॉर वॉट यू आर डूइंग सो देन यू विल स्टार्ट लर्निंग दैट एस्पेक्ट्स एंड यू ऑल्सो फाइंड स्क्रिप्ट्स विच यू एन्जॉय डूइंग सो योर फर्स्ट फिल्म योर फर्स्ट शॉर्ट फिल्म और योर फर्स्ट फीचर फिल्म वॉट आवर यू थिंक यू हैव टू बी मोस्ट कम्फर्टेबल जस्ट बिकॉज समन एल्स did a feature film and that worked. doesn't necessarily it can work for you also because you're not made for it. like i'm not made for horror films. i'm not made for sci-fi films because after a point for me, vfx cannot get into my mind because i'm not made that way. my dna is not made that way. so you have to accept that and say this is not me and i don't think so. i can do it. i think all the filmmakers, please pay some zaruri एक्टर्स मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा था वन एक्टर बहुत सीरियसली मुझसे बात कर रहा था सर इतना टाइम हो गया बॉम्बे में करते हुए, एक अच्छा भी नहीं आया मुझे ऐसे <laughs> <laughs> कोई बात नहीं मैंने कहा नवाज को सोलह साल लगे थे बेटा तो, तो, तो तीन हफ्ते ये होता है जो मुकेश और मैं डिस्कस कर रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि अ गुड एक्टर कैन गेट इन टू दे हैव टू बी कमेलियंस उनको मतलब हर कलर में उनको मर्ज हो जाना बहुत जरूरी होता है बट डायरेक्टर्स का ऐसा नहीं होता विच आई बिलीव इन दैट डायरेक्टर्स का एक स्पेस होता है आप एक डायरेक्टर को बोलोगे कि आप अभी जाके स्काईफाई फिल्म बनाओ जो Uh, वो है ही नहीं तो फिर मैं क्यों करूंगी वैसे चीजें बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स होंगे होंगे स्टीवन स्पीलबर्ग की तरह जो एक्शन भी करेंगे डायनोसरस का भी करेंगे क्योंकि उनका वो स्पेस है फिर जाके एक रियलिस्टिक फिल्म भी बनाएंगे जाके पर रियलिस्टिक फिल्म बनाना उनका सबसे डी मतलब उनको ज्यादा मोटिवेट नहीं करेगा जबकि उनको ये वाले फिल्म्स बहुत मोटिवेट करेंगे कि मुझे ऐसी फिल्में बनानी है

डायरेक्टर कास्टिंग डायरेक्टर एंड द डायरेक्टर ऑन द सेम मास्टर क्लास ये अक्सर होता नहीं है थैंक यू अश्विनी फॉर सजेस्टिंग मुकेश बाज ने फॉर मास्टर क्लास इज द राइट वे ऑफिंग दो तीन चीजें मुझे लगता है कि मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस आर अपक एंड दे दे रियली वू डू गुड इन द लाइफ दे ऑल मोस्ट ऑफ दर फ्रॉम अनुपम खेर्स एक्टिंग प्रीपेय एंड दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव दिस दिस इंस्टीट्यूट अनुपम हैज बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस मास्टर क्लास ऑफ आर्स ऑफ एक्टर्स मुकेश दिस बोथ आई थिंक ये जो सवाल जो है वो हर एक्टर अपकमिंग एक्टर के दिमाग में होता है कि मैं आया हूँ एक्टर बनने के लिए और देर आर सर्टन थिंग्स यू गो टू अंडर गो अड ऑफ स्टेज वेर यू गेट फ्रस्ट्रेटेड हो नहीं रहा है कुछ नहीं हो रहा है हम ऑडिशन दे रहे हैं ये दे रहे हैं हो नहीं रहा है मुकेश यू एंड अश्विनी टू स्पेल आउट सर्टन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन शॉर्ट फॉर दीज एक्टर्स टू कीप दो थिंग्स इन माइंड टू बिकम अ सक्सेसफुल एक्टर एंड अ सक्सेसफुल पर्सन इन दस्ट्री बिकॉज आ पर्पज इफाज पर्पज इज दैट वी वॉन्ट all of them sitting here to be one day most successful people in the industry. we want that. that's our intention. so i think that uh, element of things, if you, you know, talk to them, and then they will definitely pose their questions from them. Their, their i service. have two sentences cool. to stay, and yeah, then sure. after that, everything mukesh Uli can say, i cannot. but i feel that um, actors should not be sending their photographs to directors. madhavi kya karungi, photographs go. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो डिपार्टमेंट जो है yeah. वो मुकेश का है और बहुत बार मुझे मतलब ऐसे ऐसे, ऐसे फोटोग्राफ्स आते हैं मैं क्यों देखूँ वह पिक्चर्स और मैं देख के करूँ क्या मैं कोई एक्टर को कभी मिलती नहीं हूँ आई फील इट इज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ माइंड एंड ऑल्सो एक्टर इज बिकॉज आई डोंट नीड टू मीट एक्टर्स फॉर वॉट आई हैव मैसेजेस सेइंग दैट लेट्स मीट अप आई नीड टू कैच अप यू क्यों भाई मैं क्यों मिलूँ तुमको मैं को नहीं मिलना है तुम्हें क्यों अगर तुम्हें कुछ काम है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे रडार में अभी मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है तो मैं मुकेश को बोलूँगी oh. और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जरूरी है uh, जब आप बहुत ऐसा मल्टीपल कास्ट करते हो स्पेशली नॉट द मेन एक्टर्स आई एम टॉकिंग अबाउट

And she's one of the Kabaddi players, and uh, Jaya comes to meet her and she shares the room with her in Calcutta. Uh, we were really trying to find a good actress, but who has to have the ability to play Kabaddi also. That girl had only about, uh, uh, about three months no, four months, and I saw so many auditions.

एक एक देखते हैं हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि बस ये हो गया हम नहीं देख रहे हम एक एक देखते हैं हर ऑडिशन देखते हैं जहां पे हमको थोड़ा सा स्पार्क दिखा हम री करने को बोलते हैं वो और वो लड़की yeah. री, उसने री किया फिर उसने या चार महीने वो रोज कबड्डी प्रैक्टिस कर रही थी एवरी डेक्टिस प्रैक्टिसिंग कबड्डी

I think director can tell you better. I can only tell you when you're struggling as an actor. Keep your mental health properly. Because क्या आपके दिमाग को जितने positive और अच्छा रखेंगे वही अच्छा हो सकता है. Because क्या होता है कि अगर आपको एक को काम मिलता है तो साथ वाले को insecurities होती हैं. If you just work on insecurities, because this line में rejection is part of your job. क्योंकि आपने ये job चुना है आपको माँ बाप ने धक्के मार के यहाँ नहीं डाला है. तो so rejection is part of your job. And getting into negativity टू इजी इसको काम मिला मुझे नहीं मिला तो नेगेटिव हो जाते हो अगर सबसे पहले तो अपने मेंटल दिमाग को ठीक रखने का है क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं हो आप बहुत नेगेटिव हो और गौसे में गुजरे उसको काम मिला मुझे नहीं मिला तो फिर आपका करियर नहीं बनने वाला पहले तो अपने मेंटल हेल्थ पर काम करना बहुत जरूरी है आई ऑलवेज टेल एवरी इन माई क्लास ऑल्सो माई वर्कशॉप बट एवरी वेयर कि प्लीज वर्क ऑन मेंटल इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपको लगता है कि आप सोचो हम

या जब मैं लोखंड वाला में घूमता रहूंगा तो मुझे एक सर्टन स्टाइल में घूमना चाहिए मुझे एक जैकेट पहनना चाहिए मुझे ऐसी शूज पहनना चाहिए मुझे ऐसे कपड़े पहनना चाहिए भले ही पॉकेट में कुछ ना हो आई थिंक वो जरूरी नहीं है वो सब टाइम चला गया वो सब, गया, वो सब गया अभी वो ताँग सब टाइम की आगे 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 लुक इन सर्टन वे बिहेव इन वे कोई आपको नहीं देखता बिकॉज जब आते हैं तो किसी को पढ़ी नहीं है कि आपने क्या पहना है सबको यही पढ़ी है कि आपने किया क्या है इवन जब ये फिल्म लेके निकलते हैं आपको परफॉर्मेंस ही याद रहती है क्या पहना है किसने बाल बना है इतनी याद रहता लेकिन अगर आप अच्छे एक्टर हो आपकी फोटोग्राफ एक पास पोस है फोटो बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास होनी चाहिए नहीं तो आप अच्छे एक्टर है तो डायरेक्टर आपके जिम पे खर्चा करेगा आपके डाइट पे खर्चा करेगा आपके बालों पे खर्चा करेगा आपके स्किन पे खर्चा सब खर्चा कर देगा अगर आप अच्छे एक्टर नहीं हो तो कुछ भी खर्चा नहीं करेगा याद रखना तो इस चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है Yeah, because I've seen so many kids which are they come and they are spending so much of money and all that stuff, and, uh, and it, everything is going into making themselves look good that they're not saving anything. Whatever they're earning, they're just putting out there. Because Yeah. Yeah. Hello, sir. Hello, sir. Hello, ma'am. माई नेम एस वर्ष कोतवाल आई हैव टू क्वेश्चन वन फॉर सर वन फॉर मैम फॉर मैम my question is कि जैसे हमने आपका इंटरव्यू सुना तो उससे पता चलता है कि आपको चैलेंजेस लेना पसंद है आपको नए एक्टर्स के साथ वर्क करना पसंद है तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि एक एक्टर जब आए आपके पास तो वो ट्रेंड एक्टर हो, या फिर आप फ्रेश जब फ्रेश फेस लेते हो आप तो आप एक नॉर्मल कोई भी नॉर्मल करेक्टर डे टू डे लाइफ से भी उठा सकते हो आप कोई करैक्टर Uh, मुझे ऐसा लगता है अभी हैव टेकन अ लॉर्ड ऑफ फ्रेश फेसेस बट थोड़ा सा एक्टिंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है बिकॉज uh, जब आप स्टिल फोटोग्राफी नहीं कर रहे हो जब आ, आप आप कैमरा के सामने रहते हो तो थिएटर uh, का एक्टिंग एंड uh, okay. जो आप सेट पे जो एक्टिंग करते हो वो थोड़ा अलग होता है बिकॉज थिएटर में जो आप करते हो तो आप कंटिन्यूज में करते हो कोई कैमरा नहीं लगता आपके आजू बाजू पर जब आप कैमरा के सामने रहते हो तो आपको कंटिन्यूटी में बहुत ध्यान देना जरूरी होता है आपको आपके लाइंस ध्यान देना बहुत जरूरी होता है आप जहां पे मैं कट बोलती हूँ वहां से आप कहाँ से पिकअप करोगे और वही लाइन से आपको पिकअप करना बहुत जरूरी होता है एक्टिंग भी वहां से ही आप स्टार्ट कर सकते हो यू हैव टू डू दैट सो दो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज बिकॉज आई ऑलवेज लाइक अ लॉर्ड ऑफ थिएटर एक्टर्स पर उनको ना थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ता है जब कैमरा के सामने होते हो क्योंकि थिएटर पे आप थोड़ा सा ओटीटी चले जाते हो और जब मैं वही सेम एक्टर्स को कैमरा के सामने लेके आती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ नाइन्टी परसेंट कम कर दो अभी तो okay. एक्टिंग so, का थोड़ा नॉलेज uh, होना जरूरी हो है फ्रेश एक्टर्स फॉर एड फिल्म्स आर ओके बट नॉट फॉर फीचर्स ओके एंड फॉर सर आल्सो फॉर मैम आई हैव अ क्वेश्चन अरे एक क्वेश्चन मेरा था अभी एक क्वेश्चन मुकेश का ओके डोंट कॉल मी सर मैं तुझसे तो 20 साल ही छोटा हूं ओके मुकेश सर सो आई हैव अ क्वेश्चन कि एनी सजेशन और एनी गोल्डन टिप For a person like me, who have come to Mumbai just for acting, just go to Siddhivinayak Mandir every day. <laughs> oh, there is a there is a Ganesh Mandir act for <laughs> sovals. Well, well, there what would I say? Do you have to struggle Do you have to every day go for audition and give your best? Stay healthy, be positive.

Uh, दस मिनट में जाके एक स्मोक करेंगे स्मोक करके बाहर अंदर आने तक तो ऐसा क्या आ गया ऐसे क्या आइडियाज आ गया जो आपको मतलब यहाँ पे बैठ के नहीं हो रहा कि ऐसा क्या हुआ कि जब आप रात को आ, आ, एक बिस्की पियोगे या एक आ, क्या है वो र, आ, दारू जो भी है आ, क्या है? कौन सा है वो चीप वाला रम रम जो भी है जो भी है जो एक ऐसे पियोगे तब आपको आइडियाज आएगा फिर ही आपसे लिखा जाएगा नो, इट्स नॉट अ जोक गाइस। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स अमेजिंग राइटर्स लाइक रियली रियली बिग राइटर्स राइटर्स हुईव सीन दैम डिटोरिएटिंग थ्रू ड्रिंकिंग थ्रू ड्रग्स And uh, we have lost them. We have lost them from this life. Uh, we have known uh, people now, writers, who that day I met one person who was morning. He was drunk, and he was asking me for money, and uh, and he didn't know what to do. Is because your brain starts defunctioning. It's not a fad that you go into drugs and you go and start smoking up and you go for all these things, and you're going to have some really uh, sixth sense idea. Uh, सबसे पहले मैं अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा मैं एक शॉर्ट फिल्म मेकर हूँ लेकिन जब भी आता हूँ कुछ न कुछ सीख के जाता हूँ और uh, कहीं कहीं लिख के रखता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी का मैम uh, आपका एक बात बहुत मुझे अच्छा लगा जो है कैरेक्टर ब्रीफिंग जैसे आपने बताया कि चालू सीन में क्या होता है कि हम कभी हर एक कोई डायरेक्टर ये जब हम कोई सीन कर रहे होते हैं आगे क्या हो रहा है पीछे क्या हो रहा है जब हम सीन कर रहे होते हैं तो आगे और पीछे के बारे में जानना बहुत जरूरी है मोस्टली लोग करते हैं मतलब चलो यार एडिटर संभालेगा जैसे आपने बताया लेकिन जैसे आपने बताया कि मतलब कैरेक्टर ब्रीफिंग और सीन की ब्रीफिंग आगे क्या हो रहा है पीछे क्या हो रहा है वो समझना और उसके बाद डायरेक्ट करना ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है साथ में कुछ खुद भी अपनाता हूँ Uh, मैं मैम एक आपसे शॉर्ट फिल्म के बारे में पूछूंगा जो आपने शायद किया था वार्ट्स फॉर ब्रेकफास्ट प्लीज उसके बारे में बताइए प्लीज अच्छा तो वार्ट्स फॉर ब्रेकफास्ट तो वो हुआ था केबीसी uh, फिल्म के बाद जब मुझे चस्का चढ़ा कि मुझे अभी डायरेक्ट करनी है तो मुझे थोड़ा शीशा दिखाया गया एजेंसी में और बोला गया कि काम तो तुमने बहुत किया है पर तुमको ये कैसे पता कि तुम एक अच्छी डायरेक्टर हो या डायरेक्ट डायरेक्शन आता भी है तुमको या सिर्फ तुम बोल रही हो कि तुमको डायरेक्ट करना है बिकॉज ऐसे चस्के लगते हैं ना कि आज मैं उठा सुबह और बोला कि मेरे को डायरेक्टर बनना है ऐसा नहीं होता सो दैट शॉर्ट फिल्म वॉज अ टेस्ट टू सी वेदर आई कैन आई नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ एंड से वेदर आई एम अ गुड राइटर और आई कैन बिकम अ गुड डायरेक्टर, बिकॉज इफ आई वांट टू बी अ डायरेक्टर, देन आई कैन नॉट बी जस्ट गुड आई हैव टू बी द बेस्ट सो दैट्स व्हाट्स द थिंग वॉट्स तो बहुत कम पैसे में बनाए एक्टर uh, आपने देखी रहेगी वो uh, केबीसी वाली एक्टर ही थी हाँ के बीसी वाली एक्टरी थी वहाँ पे मैंने उनको बोल दिया था कि मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रही हूँ प्लीज आप मेरे लिए शूट करोगे फिर लक्ष्मण जो के बी सी शूट कर रहे थे उनको मैंने बोला लक्ष्मण प्लीज मेरा दोस्त है ना तुम मेरे लिए कर तो बेसिकली सबसे फेमस ले लेके मैंने फिल्म बना दी दो दिन में मैंने शूट किया उसको सो नो नोवन टूडे इट एंड सेज की इट गॉट ए सम नेशनल अवार्ड ऑल्सो सो नो वन सीज इट एंड सेज इतने कम पैसे में बनाए प्रोडक्शन क्वालिटी क्या है सब ये देखते हैं कि स्टोरी अच्छी है और डायरेक्ट अच्छा किया है नेक्स्ट हेलो बट मैं बहुत कंजूस थी वो टाइम पे इन द सेंस दैट मैंने सब कुछ मैं थोड़ी प्रैक्टिकल भी हूँ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आज मैं डायरेक्टर बनूंगा या आज मैं राइटर बनने वालों पैसे नहीं मिलते गाइस सर्वाइव करना बहुत जरूरी है इवन फॉर एक्टिंग एवरी थिंग सरवाइविंग इज मीन्स ऑफ थिंग आप सब अपने घर छोड़ के अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी को छोड़कर आप आते हो ये चीज करने बट वी स्टिल हैव टू बिलीव एंड वी स्टिल हैव टू नो दैट यू हैव टू अर्न सम मनी एट द एंड ऑफ द डे एंड सो आई ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान आई ऑलवेज हैड अ बैकअप प्लान अभी नहीं है मेरा बैकअप प्लान पर आई ऑलवेज हैड बैकअप प्लान दैट दैट आई नीड टू हैव समथिंग इन प्लेस मे बी आप लिखो कुछ या आप कुछ और काम करो बट ऑलवेज कीप य विजन इन प्लेस दस मेक श्योर दैट यू ऑल्सो अर्निंग मनी इज बिकॉज इट कैन गेट वेरी डीमोरलाइजिंग की कोई काम नहीं आ रहा कुछ काम नहीं आ रहा क्या हो रहा है कुछ पता नहीं तो वेन आई वॉज डायरेक्टिंग और जब मेरे को कोई एडफॉर्म्स नहीं मिले कुछ नहीं मिला मैं दो साल ऐसे ही बैठी थी मुझे तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला यार पति का मारा, तेरे को क्योंकि स्ट्रेस हो रहा है बट नहीं यू हैव टू स्टैंड अपॉर यल्फ एंड वॉट यू बिलीव एन सो आई यूज़ टू डू अ लॉड ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन लोगो डिज़ाइंस करती थी तो थोड़े थोड़े पैसे मिल जाते थे मेरे को सो इट्स इम्पॉटेंट दैट यू ऑलवेज़ हैव अ लिटिल बैकअप ऑप्शन फ्राम वॉट यूर डूइंग Yeah. कुछ नहीं तो मैकडोनल्ड yeah. में काम करो यार <laughs> <laughs> कोई प्रॉब्लम नहीं है या माय क्वेश्चन इज फॉर मुकेश बिफोर आस्किंग दिस क्वेश्चन मुझे ये बताना है कि मैं खुद तीन साल से कास्टिंग कर रही हूँ और uh, wow. <laughs> सवाल सवाल पूछिए या या सो सर आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन जब आपके जो इंटरव्यूज है जो मैंने आज तक देखे हैं जिस जिसमें आप बोलते हो कि आपने सौ लोगों की कास्टिंग की फिर यू केम टू अ पर्टिकुलर पर्सन दो सौ लोगों की कास्टिंग की एक सेकंड आप आ, इफ, की मेंबर नो सर no, तो कास्टिंग कैसे कर सकती है sir, make, like, कल के कल मेंबर मनी ना तो गड़बड़ जाएगा आई गॉट स्कैर्ड तो सर मेरा ये क्वेश्चन है मैं हमेशा सोचती थी मैं आपको जब भी मिलूंगी मैं आपसे ये पूछूंगी जब आप वर्कशॉप करके यू कम अप टू द लास्ट टू एक्टर्स फॉर द सेम कैरेक्टर ठीक है अगर आप एक कैरेक्टर है जिसके लिए आप दो लोगों को फाइनल कर रहे हैं ऐसी कौन सी चीज होती है जिसपे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और आप उस एक्टर को चूज करेंगे नॉट दी अदर वन आई थिंक मैं एक्टर्स को नहीं अपने कैरेक्टर को चूज़ करूँगा जो मेरे कैरेक्टर के जितना नज़दीक कई बार होता है कि जो एक्टर बहुत अच्छा है और जो कैरेक्टर करेक्टर थोड़ा ज़्यादा अच्छा है <coughs> तो मैं हमेशा कैरेक्टर को चुनता हूँ जब भी हम कास्टिंग करते हैं तो चाहे वो दंगल के लड़के चुने तो अभी आपको लगेगा कि बाकी बच्चे जब अच्छे लेकिन वो उस कैरेक्टर में जो करेक्ट फिट होते हैं उनको ढूंढते हैं हम लोग कभी भी हम एक्टर नहीं ढूँढते क्योंकि जो कैरेक्टर के जितना नज़दीक होता है हम उसको ज़्यादा ढूंढते हैं हम वर्कशॉप भी करते हैं क्योंकि जो सीन वर्क करते हैं या साथ में ग्रुप में वर्कशॉप करते हैं शायर करते हैं

and that was working for me <laughs> so that was working brilliantly for the character i felt bad for the other two but what to do abi this is what it is so we chose her yeah fantastic yeah hello mukesh sir hello oshin ma'am uh, i have two questions uh, i really like the character of minu in panga so i wanted to ask did you keep the actor in mind while writing the no character? we never keep actors in mind while writing that's why we take so long yeah, because i really can't imagine anyone else doing yeah that but that's the beauty and, yeah. what happens is that uh, we write a script and then after we write the script is when we go, uh, go to Mukesh and we say that you know this is what we script you have written I have never even given him a brief in terms of as mm -hmm. a character ची इसकी तरह ची क्योंकि also as a casting director ने भी also prefer ki director humko कुछ reference na de na de क्योंकि हमको yes. clean slate मिलना चाहिए कि हमको जो-जो visual बनाकर करते हैं exactly karthe, so what happens important. is that uh, and that happened and uh, uh, then when you see you you will see and you will say अरे यार इसके अलावा मैंने किसी और को देखा ही नहीं आज मैं प्रशांत को किसी और को देख ही नहीं सकती मैं सिर्फ जसी गिल को ही देख सकती हूँ उसमें एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑफ एक्टर अ डायरेक्टर एंड अ कास्टिंग डायरेक्टर वर्किंग टूगेदर ऑन अ क्लीन स्लेट एंड ऑल्सो राइटर्स वी नेवर एवर पुट एक्टर्स ऑन इन फ्रंट ऑफ अस बिकॉज एन वॉटीडिंग When we write a script and write, i do all the formalities of synopsis, treatment, etc., what is the first step after that? Like, if we are going to pitch, treatment, who do we? Go why on? would you write a treatment? For, uh, for the script, like a prose form of the dialogues, just for someone to read in a short form. Uh, no, because I think your starting point is wrong. What do you write? The script, script. You write a script when you write a treatment for the script? Yeah, after the script so uh, any, i mean, uh, we have done certain formalities, whatever is there. so no, no, i, I need to understand minutes, the, the formalities. The the it's, a, it's a master class. so i want to know, uh, how do you write a script? <laughs> yeah, x. hey, no, no, no. no. no I, I need to answer. yeah, polis valikirabia, matkaria. no, uh, listen, it's important Is because there is a lot <laughs> of, uh, i'm glad that you raised this point, is because there is a lot of myths behind writing a screenplay. So uh, when you're pitching a story, yeah. I just want to know what do you do, and then I will tell you whether yeah. it's that so, or that. Uh, and be patient enough. Tell me what it is. Yeah. yeah. Uh, actually, there's no time, so no, no, i no, 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 no. It's okay. okay, these, okay these are okay. important things, right. and that's why we have a master masterclass. Yes. So we uh, write a script first, and then we wrote a synopsis and a treatment. You way. first write a script, and then you write a synopsis. Yeah. I mean, we, we you're telling me that, that first, you write the. You Long write form. a hundred pages. The idea is always there. Uh, the story we know it, and then we expand, and then we wrote a synopsis, like a proper synopsis, and then a treatment, which is the entire prose form of the script that we have written. Isn't this too confusing? Uh, we just watch a lot of YouTube videos and came yeah, to that's it. exactly the yeah. problem. Is that no. a, who will who will ever want to look at your script? I'm being very honest. Yeah, yeah. People have 12, twenty thousand things to do. Okay, when you're pitching a script. All they have is twenty minutes of their time to give you. Right. And in that twenty minutes, they need to have in five pages your whole script. Yeah, ma'am. So treatment is that. We have written it So in that's like not a treatment, mm -hmm. treatment. Okay, The okay. moment you tell someone you're giving a treatment, they're gonna say tu treatment bata rahe? Mujhe pehle bata to treatment okay, okay. story hai. Okay. So I'll just give you all for the if people who know uh, great to this boring adding one more knowledge. But for people who do not know, I'll just give you all a basic thing. Just two minutes. First thing is synopsis. Synopsis is a storyline, it's a detailed storyline. Start, middle, end. Mm -hmm. Start, characters defined. Please don't elaborate your characters. Don't keep writing some hundred pages of characters, no one is going to listen to it. The people you are giving to have enough knowledge to know that in 20 minutes, keep a trademark. 20 minutes, your synopsis should be read and understood. Your synopsis has to be self explanatory that you cannot be telling in someone and saying that can i come and explain to you narrative nahi hota. self-explanatory start middle end you had only one chance so make sure that your synopsis is the best of the best so start middle end it's called a synopsis it's not called a treatment note treatment note is for directors okay, okay. synopsis start middle end maximum five pages minimum three pages you cannot have a one pager and say, I've written a good story, it cannot happen. And your story has to have the start, middle, and end with your characters from A to B point. Mm -hmm. That each character ka journey from start to finish. Hai, wo hai. Even if there's a gem of an idea, it is okay. In some cases, you can also light, write a log line. A log line is something which is told in one sentence. One sentence where you have to describe your whole film that is a log line so it's nice to have a log line it is nice to have a synopsis after that once your synopsis is there you start if your synopsis get approved or you want to do it for your own journey you start writing the one liners of the script the one liners of the script is basically every scene which is written like how you're seeing it so for example let's take a bariliki barfi reference let's take panga ka reference whatever whichever you like uh, Bareilly ki barfi opens on a landscape of a city a small town like Bareilly. Uh, no angles no top shots writers do not write camera moves from here to there and opens on a wide angle shot guys you are a writer behave like a writer write like a writer do not behave like a director where you are putting camera angles and all there only my Chala went because now I am thinking of camera angle and not of what I am looking at opens on this thing. Uh, the character of this woman uh, is that she is very bubbly, you see her mother and father. Mother is praying, father is going up and down is because he wants to have a cigarette. Then you go to the scene too. So you have your one-liners, we call this the one-liners. Your one-liners have to be about 100 one-liners, where once you have your one liners, your story is formed there. Wherever you want to put dialogues, you can even put dialogues in your one liner. Because when you go with that one liner, and even if you want to go and tell a producer or an actor, uh, the producer very well knows that this is what your one liner is and this is how your screenplay is going to be. So your one liner has to be as strong. One liner, I feel, is the Bible for me because screenplay is just an adaptation of the one liner where you actually start writing dialogues, you actually start putting the things in place. That's it. These are the three things. Okay, so uh, thank you so much for that because it really helps. And uh, when we are done with that, uh, who do we pitch? Like, who will entertain us to? Like, the producers or the creative head? Yeah, or so the you directors? have to pitch uh, your synopsis. To whom? To whom? Yeah. So um, I think a whole lot of studios have uh, uh, have these uh, writers' bank kind of thing. Uh, but the important thing is that, and let me be very honest with you, is that a lot of producers and a lot of studios, including me, have stopped taking scripts right now. Is because what happens is that most of you all do not register your scripts, no. yeah. and it is scary. <coughs> and then you all don't register your script. I've got scripts on WhatsApp and all, mm. on synopsis and all. I said this is not on, whether it's a synopsis or whether it is a, uh, whether it is a. Uh, like your one liners, whatever it is, just make sure that you all are even registering that and send putting it on mail to whoever you want to. It is like you'll find numbers, it is very easy to even find email IDs for you all. Please do not send your scripts on numbers, please send your e scripts on email IDs, registered email IDs of whoever you want to send it to. People do see it, and if they really like it with your phone and email ID, uh, they will call you back, so that's not a problem. It's like a pub publishing company, but registered screenplays is because uh, malpractices do happen, and it is important that you all protect your scripts. Next. Thank you so much, Hello, everyone. My question, ma'am, ma'am, I was an athlete in school twenty-five years back. I have been running really because I'm just telling because I'm questioning something regarding panga. सो आई वॉज अ रिलिय रनर एंड आई लॉस्ट मनी टाइम्स आई वन मे टाइम्स आई वॉज अ कबड्डी टीम कैप्टन ट्वेंटी फाइव इयर बैक सो माई क्वेश्चन टू यू इज़ इन द लास्ट थीन जब हम नाकामयाब होते हैं ज़िंदगी में या ऐसा जिसको मौका मिलता है फिर से कामयाब होने के लिए जैसे जया निगम को मिला तो मुझे निजी तौर पर ऐसा लगता है कि उनके चेहरे पे हाव भाव दिखाने के लिए जो डेस्प्रेशन थी वो क्रीज पर नहीं आ पा रही थी उनको मौका नहीं मिल रहा था तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि उनका एक्सप्रेशन दिखाने के लिए जगह बहुत थी कि वो शोज ने ईगर की अरे नहीं मौका मिल रहा है कब होगा कब मैं क्रीज पे जाऊँगी सेकेंड थिंग द कैप्टन ऑफ द कबड्डी दैट गर्ल आई मतलब आई फाइंड कि भाई उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन की बहुत कमी थी शी हैड अ प्रॉब्लम विथ कि भाई आप आओ यहाँ पे कुर्सी गर्म करके चले जाओ एंड देन शी वॉज अब मुझे लगता है कि यहां पे नहीं है कैप्टन इन स्कूल सो आई पर्सनली थिंक उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन के लिए जगह थी आपने जैसा उनको दिखाया है तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने उनको क्यों दिखाया है जैसे कि क्या होता है ना कि हर कैरेक्टर आंख होता है hmm. हर कैरेक्टर का आंख होता है और कैरेक्टर uh, और, uh,

Uh, a makeshift reality where I'm trying to say something on a very larger level. So it was important that that the the character of Smita has only so much happening because me uh, as a director do not want my audience to start thinking more than required. At that moment, I only want her to think that. I want my audience in that split of second of one minute to only be thinking that much. ऐसा क्यों क्या इधर और थोड़ा एक्सप्रेशन डालती और ऐसा होता तो वो उसका कुछ काम नहीं है वो एडिटर निकाल देता स्टूडियो बोलता कि मेरे पास सिर्फ दो घंटे हैं इसमें तुम अगर ये निकालो निकालो या तुम लास्ट शॉट डालो सो आई एम सेइंग इट इज एज सिंपल एज दैट आई एम बींग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट वी हैव टू बी वेरी सेल्फिश इन सेग दैट वॉट आर वी ट्राइंग टू कम्युनिकेट वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट सीन ड्यूरिंग दैट टाइम की ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्टर्स के लिए सीन बाई सीन हम उसको सीन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं कि आ, ये ऑब्जेक्टिव है सीन का ये सीन में मुझे चाहिए कि ये बाहर आए तो बस उसका ये रीजन था सेकेंड रीजन आप जो जया की बात कर रहे हो कि वो हुआ हो रहा है उसको बहुत खुशी हो रही है वो सब चीजें वो सब हमने सर मैंने तो उसको हाई स्पीड में शूट किया वो भी फैंटम नहीं लिया मैंने पर उसको मैंने उसको वो 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 टाइम पे वैसा शूट करना वो भी वो जंप और उसके ऊपर उसको फोकस पे रखना और वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स काफ़ी होती हैं उस पर आई थिंक वो काफ़ी हाई स्पीड में शूट किया है मैंने बहुत है, तो कैमरा हिल जाता आफ्टर वो हिल जाती है कैमरा हिल जाता अच्छा जा, तो कैमरा ऐसे ऐसे हिलता है आपको आपको कम लगा नेक्स्ट टाइम ज्यादा डालेंगे <laughs> नहीं ऐसा कुछ नहीं है अह अह मैं फैंटम यूज कर सकती थी पर फैंटम बहुत महंगा होता है एक छोटा सा शॉट के लिए और मुझे फैंटम नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने कभी शूट ही नहीं किया फैंटम पे पूरे फिल्म में मैं आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स बता रही हूं

Thank thank you, thank you. I uh, I I have come to uh, to uh, on uh, come, come. I think I feel very Ayy. proud to be part of a थैंक यू थैंक यू आई है डायरेक्टर्स एसोसिएशन clap big clap to Ashok ji is because <laughs> हम हमेशा ये बोलते हैं कि हमको हॉलीवुड की तरफ बनना है <laughs> हमको okay. uh, थोड़े स्ट्रक्चर लेके आना है uh, सब कुछ करना है पर किसी ने कभी आज तक किया नहीं एंड

थोड़ा सा डायरेक्टर्स मीट रखते हैं ऐसे पेरिस वेरिस में जहाँ पे वहाँ के डायरेक्टर्स आएंगे फिर हम लोग भी जाएंगे और इफ्टास को कौन करेगा अनुपम के स्कूल के बच्चे भी आएंगे आई एल रिक्वेस्ट सपना टू हैंड ओवर द बुके टू अश्विनी थैंक यू ऑन ऑल योर बिहाफ आप लोगों की तरफ से दूसरा सपना सुधाकर जी Up. Mm -hmm. Thank, you, Thank, you. Thank you very much. A big round of applause for all of you. Thank, Thank you. you. Thank you. Thank you.